नमो भित्रागाय नमो भित्रागाय नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो आयधियारम नमो आयधियारम नमो उभस्यायारम नमो उभस्यायारम नमो लोये सर्वसाहुनम नमो लोये सर्वसाहुनम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावप्रणासनो सर्व पावप्रणासनो मंगलानंच सव्येसिं मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जगत भरना संत पुरुषों योगवर जगत भरना सत पुरुषों योगवर अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान योगवर समस्त विश्वनु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो समस्त विश्वनु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी हम सब महात्माओं ने हम सब महात्माओं ने परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज सुबह जो सत्संग किया उनका आधार क्या था? उनका आधार उनकी बिगिनिंग वहां से शुरू हुई कि प्रगति और अधोगति का जो द्वंद्व है ये रिलेटिव सत्य है। हमको गति करना है, क्या करना है और गति में क्या होता है? गति में प्राप्ति नहीं होती है, गति में बाईपास होता है। क्या होता है? अब आगे जाओगे तो बीच का रास्ता क्या हो जाएगा? बाईपास हो जाएगा, वो अचीवमेंट नहीं है। ऐसे मुक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, पुरुषार्थ का मार्ग वो क्या है? वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है। तो गति ही करनी है, क्या करना है? अज्ञान को मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ, ये नहीं देखना है कि कितना अज्ञान है या कितना अज्ञान अभी बाकी है, वो देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको समझ में आए विज्ञान का उपयोग करो, बस कितना अज्ञान बाकी रह गया या कितना छूट गया वो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में देखते जाओ और जितना अज्ञान है आपके सामने इसको निकालते रहो। भूत भविष्य की चिंता मत करो, हैज फार हैज पॉसिबल प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। कल मैंने बताया था ना कि पास्ट ऑलरेडी पास हो गया है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो अभी जो वर्तमान है उसमें ही अवेयर रहने की जरूरत है। फिर फ्यूचर आएगा तो उस समय आपको अवेयर रहना है, अभी अभी से अवेयर रहने की जरूरत नहीं है फ्यूचर के लिए। और इसीलिए हमारे सबके लिए जो प्रेजेंट है वर्तमान वर्तमानता वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और उसी में हमको जागृत रहना है बस। और दूसरी बात यह है कि कई सारे महात्मा प्रश्न करते हैं कि भाई हमारी प्रगति के लिए हमको क्या करना है। तो करना जो शब्द हो, शब्द प्रयोग है, वो शब्द प्रयोग में ध्यान रखने का है कि साइंस में मन वचन काय की क्रिया वो सब्जेक्ट नहीं है। और इसी फॉर्म में यहाँ डूअरशिप की बात है ही नहीं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, ये दोनों सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि साइंस में स्पष्ट है मन वचन काया की अवस्था मात्र, तो कुदरती रचना के अंदर हम कुछ कहेंगे आप करो या ना भी करो, इसका मतलब यू आर बियॉन्ड कुदरती रचना, तभी तो आप कर सकते, कंट्रोल रख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। और ये मानना, यही तो रिलेटिव सकते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, यही तो अज्ञानता है। तो विज्ञान में रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान का स्थान नहीं है। जो भी प्रश्न करना है वो ऐसा करो कि हम ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार के साइंस का उपयोग करके, किस प्रकार की दृष्टि का प्रयोग करके इस अवस्था से मुक्त रहे और उसके असरों से मुक्त रहे, ये प्रश्न होना चाहिए। या दृष्टि के ऊपर प्रश्न होना चाहिए, आज तक क्या हुआ, दादा भगवान को जो भी महात्मा मिले सब महात्माओं ने ऑन एन एवरेज 5% 10% को बात करके 90% महात्माओं ने यही प्रश्न किया, हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछे गए। और इसीलिए विज्ञान ओपन नहीं हुआ, बस ये गलती हो गई। तो कहने का मतलब है जब डूअरशिप की बात आएगी तो पूरा विज्ञान फिर व्यवहार सत्य में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम शुभाशुभ कहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एज फार एज पॉसिबल ये साइंस, जितना साइंटिफिक विजन रहेगा वहां तक ये साइंस जिंदा रहेगा। फिर जब डूअरशिप की बात आएगी तो फिर साइंस और डूअरशिप दोनों में जब ज्ञान मिलेगा तो आप में कंफ्यूजन आ जाएगा, फिर क्या आएगा, कंफ्यूजन, फिर सेपरेशन नहीं रहेगा, तो दोनों पैरेलल नहीं हो सकता है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग वो दृष्टि का सब्जेक्ट है और धर्म वो मन वचन काय की क्रिया का सब्जेक्ट है। तो अध्यात्म में मन वचन काया की क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और मन वचन काया की क्रिया के सब्जेक्ट में दृष्टि का इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डूअरशिप की बात है। मन आपको मन को कैसे मोड़ना है, भाषा कैसी बोलनी है, वर्तन कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, ये धर्म के अंदर होता है, विज्ञान के अंदर। और दृष्टि की बात है तो सेपरेशन की बात है। तो ये दोनों लाइन ऑफ डिमार्क किस जितना हो सके इतना सेट कर लो आपके विजन में, तो कई सारे प्रश्न अपने आप निकल जाएंगे या तो उड़ जाएंगे या तो अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे। मन वचन काय के सब्जेक्ट का प्रश्न नहीं रहेगा। अब जिसको प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે તમે અક્રમ વિજ્ઞાનની સમજણ આપી અને આપણે હું શુદ્ધ આત્મા છું અને રિયલ અને રિલેટિવની વ્યાખ્યા આપી અને એમાં સમજણ પડી ગઈ, પણ આજ આ જન્મમાં અથવા આ અવતારમાં અક્રમ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન મળ્યું અને સમજણ પડવા માંડી છે, પણ આગલા ભવમાં આ જ વિજ્ઞાન અમારી સાથે કેરી ફોરવર્ડ થશે, અક્રમ જે તમે સમજણ આપો છો એ ક્રિયાકાળનું નહીં એ કેરી ફોરવર્ડ થશે કે થાય તો કેવી રીતના થાય, અથવા તો નથી થતું તો કઈ રીતના એને કેરી ફોરવર્ડ કરી શકાય એ માટેનું કંઈક માર્ગદર્શન આપો તો ખ્યાલ આવે। અને બીજો સાથે પ્રશ્ન કે જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થવો, ગુરુ તો જોઈએ જ, ગુરુ વગર દિશા માર્ગ નહીં મળે,
મારી સામે કે હું મોક્ષદાતા નથી, મોક્ષ માર્ગ દેખાડી શકું, એટલે કોઈ પણ ગુરુ જોશે. બરાબર. હવે એ ગુરુ જોઈ એના માટે મારે પાપ અને પુણ્યની હોવું જરૂર છે બેલેન્સમાં. તો ઉદય કર્મમાં પુણ્ય હોય તો જ જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થાય. તો પછી એ પુણ્ય તો ઉપાર્જન કરવું પડશે ને. હવે એ કઈ રીતના કરાય કે અગ્ર માર્ગને સમજીને એને ફોલો કરવાથી આપોઆપ પુણ્ય ભેગું થઈ જાય છે, પણ જ્યારે દ્વંદ્વ છે પુણ્ય અને પાપ, તો પછી એનું એકનું ઉપાર્જન કરવું પડશે, કાં તો પાપનું કરવું કાં તો પુણ્યનું કરવું. તો પછી આ સાયન્સને આગલા ભવના બીજ નાખવા માટે, બીજ તો નાખી દીધું છે, પણ એને કેરી ફોરવર્ડ કરવા માટેની અમારી શું પ્રયત્ન અથવા પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ એ જરા કંઈ સમજણ પાડો તો ખ્યાલ આવે. જય સત્યનારાયણ. જય સત્યનારાયણ. सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप ये विज्ञान जितना भी आपकी दृष्टि में सेट करते रहोगे पुरुषार्थ के रूप में, विजन के रूप में, अपना सॉफ्टवेयर जितना चेंज करोगे वो ही सॉफ्टवेयर नेक्स्ट बर्थ में हार्डवेयर के रूप में काम करेगा. इसीलिए सॉफ्टवेयर का रिजल्ट ही हार्डवेयर है. इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर में करेक्शन करना. आज तक हमारे पास दृष्टि क्या थी, हार्डवेयर में करेक्शन करना. ये विजन साइंस में चेंज हो गया, सॉफ्टवेयर को बदलना है. हार्डवेयर तो रिजल्ट है, हार्डवेयर कोई चेंज नहीं कर सकता है. रामकृष्ण महावीर को भी वही हार्डवेयर से लाइफ जीना पड़ा क्योंकि वो हार्डवेयर था ना. तो सॉफ्टवेयर इज इम्पोर्टेंट, मगर उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका था समर्थ पुरुष होता, मगर सॉफ्टवेयर चेंज होने से पहले जो गलती हो चुकी थी इसकी तो भुगतान करनी पड़ेगी. तो हमको भी अभी क्या है, सॉफ्टवेयर बदलना है. कौन सा सॉफ्टवेयर फंडामेंटल है, मैं कौन हूँ, वो पहला सॉफ्टवेयर है. बार बार भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान है, अवेयरनेस नहीं रहता है. तो बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करो, फिर मन वचन काया और ये पांच इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया वो कुदरती रचना के रूप में देखने की ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करो या प्रयोग करो, क्योंकि ये अभ्यास नहीं है मेरा. क्या नहीं है? नॉलेज आ गया, अभ्यास नहीं है ना. अभ्यास से ही आपको अनुभव होगा, नॉलेज से अनुभव नहीं होगा. नॉलेज के बाद एप्लीकेशन के बिना एक्सपीरियंस नहीं होगा. तो ये ज्ञान और दर्शन ये दोनों सॉफ्टवेयर चेंज करते रहो. आपकी अवस्था बाहर की है या नॉर्मल लाइफ में, फिर भी सॉफ्टवेयर तो चेंज करते ही रहो. आप समझे, इसीलिए मैंने कहा था ना, कोई फ्री टाइम है आपको तो दृष्टि तो बदलना ही है. और यही दृष्टि देखना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और यह कुदरती रचना है. फिर इसमें डीप में जाना है तो क्रिया को देखो, ये गति सहायक तत्व है, ये स्थिति सहायक तत्व है, ये समय तत्व है, ये स्पेस है, ये जड़ तत्व है. ऐसे देखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे डुअरशिप ओनरशिप खत्म हो जाएगी. धीरे धीरे, एकदम नहीं जाएगी. प्रैक्टिस है. भाई सोना गोल्ड है वो जड़ तत्व है, डायमंड है जड़ तत्व है, मनी है जड़ तत्व है. जड़ तत्व क्या है, हिसाब है. मिलना वो भी हिसाब, चला जाना वो भी हिसाब है. तो यहाँ ओनरशिप डुअरशिप धीरे धीरे निकल जाएंगे. ये प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग है. हर बातों के पीछे एक तत्व छुपा हुआ है, एक सिद्धांत छुपा हुआ है, वो प्रयोग करने से मालूम होगा. कोई कहेंगे भी अच्छे तत्व या तो पांच तत्वों का उपयोग करने से क्या फायदा होगा. धीरे धीरे डुअरशिप ओनरशिप निकल जाएंगे. कोई गति सहायक तत्व से एक्शन होता है, स्पीच होता है, थॉट्स होता है, वो उसकी फ्रीडम नहीं है. और जो स्पीच निकलती है, एक्शन निकलती है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, वो दोनों का हिसाब है, वो भी कुदरती रचना है. तो हर बात में यही कुदरती रचना देखने का प्रयास करोगे, ये अच्छे तत्वों से देखने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे कर्तापन और मालिकीपन सॉफ्टवेयर में से खत्म हो जाएगा. और वही हमारा पुरुषार्थ है. और
वही सॉफ्टवेयर नेक्स्ट बर्थ में हार्डवेयर का मतलब होता है ऑटोमोर, फिर अंतस्करण बाह्यकरण ऑटोमोर काम करेगा जो आज पुरुषार्थ है वो रिजल्ट के रूप में काम करेगा। आज का अंतस्करण का पुरुषार्थ सॉफ्टवेयर का, नेक्स्ट बर्थ में वो रिजल्ट के रूप में सॉफ्टवेयर रहेगा। डिस्चार्ज अंतस्करण रहेगा, आज का चार्ज अंतस्करण नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज रहेगा, तो वो भी ऑटोमोर काम करेगा। आज जो हमारा अंतस्करण ऑटोमोर काम करता है इसे वो ऑटोमोर काम करेगा। दूसरी बात आपने कहा कि ज्ञानी पुरुष मिलना, और ज्ञानी पुरुष मिलने के लिए पुण्य चाहिए, बात सही है। तो पुण्य कैसे बनेगी, हम तो अभी डुअरशिप की बात नहीं करते, नहीं करते। तो पुण्य कैसे बनेगी, अध्यात्म मार्ग में पुण्य भाव से बनती है, क्या बनती है, क्रिया से। तो कोई भी व्यक्ति को आप संसार के बंधनों से छूट जाए और मुक्ति के मार्ग में आगे चले, ऐसा इसको संजोग मिले, कोई भी प्रकार का दुख है दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, ऐसा ऐसे भाव करना वो रिलेटिव पुण्य है। अज्ञान से मुक्ति हो जाए वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक पुण्य है। तो ये व्यक्ति दुखी है तो इसका दुख दूर हो जाए, बजाय इसका अज्ञान दूर हो जाए जिसकी वजह से उसका कॉज बना है, कॉज का क्या हुआ, तो ऐसी भावना वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य बनाएगा। और सिर्फ दुखों को मिटाने की भावना वो भौतिक पुण्य की ओर ले जाएगा। अच्छा, तो ये दोनों लाइन ऑफ डिमार्केशन है। पुण्य का मतलब सिंपल है, जब भौतिक चीजें चाहिए तो भौतिक पुण्य चाहिए, यदि आध्यात्मिक मुक्ति का संजोग चाहिए उनके रिलेटेड तो उसी प्रकार की क्वालिटी का पुण्य चाहिए, आप समझे। तो ज्ञानी पुरुष के लिए उत्कृष्ट प्रकार की मुक्ति की भावना, और हजारों लोग ये विज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति की ओर आगे बढ़े, अपने अज्ञान को मिटाए, अपने हर पजल को डिजॉल्व कर दे, ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसा भाव भी करोगे तो भी वो क्रेडिट आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग में सहायक होगा, क्योंकि यह भौतिक चीज नहीं चाहिए आपको। और ज्ञानी पुरुष वो भी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्म मार्ग के लिए है, मुक्ति के मार्ग में सहायक है। तीर्थंकर भी क्या है, मुक्ति के मार्ग में सहायक है। तो इसीलिए दोनों की जो पुण्य की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। और इसीलिए मैंने कहा कोई भी व्यक्ति के जीवन में से अज्ञान निकल जाए ताकि उनके प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, ऐसा भाव भी कर सकते हैं, तो वो भाव का जो पुण्य है उनका इफेक्ट होगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सत्व। हम भले फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बोलेंगे भी नहीं, मगर भाव बस, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हर बातों के लिए क्रेडिट और डेबिट के बैलेंस के बिना संजोग नहीं आएंगे। तो अकेला भाव है वो भाव से संजोग नहीं बनते हैं, भाव से भाव बनता है, वो सब बोलते जरूर है, अकेले भाव से नहीं बनते, उनके लिए क्रेडिट भी चाहिए पास होने के लिए। नहीं तो हर कोई व्यक्ति कहते मेरे को तीर्थंकर बनना है, जैसे बन जाते हैं तो फिर मतलब ही नहीं रहा है, फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है, सोचना चाहिए कि कोई भी बात को एक्शन में लाने के लिए अकेले भाव कैसे काफी हो सकते हैं। मगर क्या होता है, लोग सोचते नहीं है, फिर मैकेनिकल बोलेंगे कि जैसा भाव वैसा भाव, तो फिर क्या होगा, यही सॉफ्टवेयर सेट किया तो वही बोलते रहेंगे, फिर कोई काउंटर क्वेश्चन करेंगे, मैं तो ऐसा भाव करता हूँ तीर्थंकर होने का, तो नेक्स्ट मंथ में हो जाऊंगा, तो नहीं मालूम होता है, तो ऐसे नहीं बनते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल पूरा चाहिए, सिद्धांत पूरा चाहिए, ताकि लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाव एक एविडेंस है, और भाव के साथ सपोर्ट जो है क्रेडिट का वो भी एविडेंस चाहिए। बैलेंस कॉमन होता है, क्या होता है, जैसे मेरे पास बैंक में लाख रुपया पड़ा है, तो लाख रुपया वो मेरा बैलेंस है, मैं कभी भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ, चेक लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो कहाँ यूज होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बैलेंस होना चाहिए तभी आपका चेक पास होगा। बैलेंस वो कॉमन चीज है, चेक वो पर्टिकुलर है। क्या है? चेक पर्टिकुलर। आप समझे ना? तो पुण्य कॉमन बनेगा, इसका यूज वो आपके चेक के मुताबिक होगा, आपका जो भाव का चेक है इसमें से पास होगा। तो दो बातें ध्यान में रखने का, अभी समझ में आया? सामान्य बात में ऐसा होता है कि आप पाप सुख दो तो पुण्य मिलता है, दुख दो तो पाप मिलता है, तो माने पुण्य का उपार्जन नहीं करना है, भावना से आप वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक जैसे भावना करते उसी से ही वो पुण्य बन जाएगा, भावना से ही। भावना से ही कर्म बनते हैं, भावना से ही पुण्य बनता है, क्रिया से पाप पुण्य नहीं बनते। क्रिया के अंदर भी अज्ञान रूपी भावना है, मैंने किया, उससे पाप पुण्य बनता है। क्रिया से तो पाप पुण्य बनते ही भी नहीं है, मगर क्रिया में भी अगर अज्ञानता है तब पाप पुण्य बनेंगे। तो यानी मूल तो भाव से ही बनता है, अज्ञान भावना है या विज्ञान भावना है, मगर भावना से ही बनेगा। अज्ञानी को भी कर्म बनता है भाव से ही बनता है, मगर वो उसकी डोरशिप की भावना है, मैंने किया, मेरा है, इसीलिए राग द्वेष होता है। मैंने किया तो कर्ता भाव होता है। आप समझे? तो महावीर भगवान ने माने बोलते बहुत तपस्या की थी, अन्न छोड़ दिया, ये दिया, वो सब क्रिया में जाता है कैसे हुए? वो तो उदय कर्म है। उदय कर्म से पुरुषार्थ थोड़ी है। माने वो क्रिया में नहीं गिना जाता है, उदय कर्म। उदय कर्म से आप सिंपल सोच सकते हैं कि अगर जैन परिभाषा में भी देखा जाए तो उपवास इसको कहते हैं, जिन्होंने उपवास करना है वो सुबह ही पहले क्या कर लेते हैं, उसकी बाधा ले लेते हैं कि मेरे को आज पचकान ले लेते हैं कि मेरे को उपवास करना है। तो फिर गोचरे के लिए तो जाने की जरूरत ही नहीं, ये तो गोचरे के लिए गए, योग्य आहार नहीं मिला, सो ये उपवास नहीं है। अगर जैन परिभाषा के हिसाब से गिनेंगे तो भी मैं गोचरे के लिए गया और गोचरी नहीं मिले तो इसको उपवास नहीं कहेंगे। सी द इंटेंशन इज डिफरेंट। उपवास में खाना नहीं है, वो डिसाइडेड है, यहाँ खाना है मगर जो कि आहार नहीं मिला तो धन कम है तो इसको उपवास नहीं कहेंगे। तो गरीबों को खाना नहीं मिलता है तो उपवास कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे। हाँ, तो इसीलिए व्यवहार से भी वो उपवास नहीं था, भले 6 महीने तक उसको खाना नहीं मिला, मगर 6 महीने तक प्रयास नहीं किया था ऐसा नहीं था, प्रयास तो किया हुआ, योग्य संजोग नहीं मिले। तो माने उसका मतलब ये हो निकाल सकते हैं माने कि उनको खाना नहीं मिला वो उसका उदय कर्म, उदय कर्म था। माने उदय कर्म का माने जो बेला पे पाप पुण्य में नहीं बोल सकते उसमें कि उनका पिछले अवतार के कर्मों का फल। अच्छा, वही तो उदय कर्म का मतलब भी पाप पुण्य का ही तो फल है ना। उदय का मतलब भी क्या हुआ? उनकी भावना और उनके पाप पुण्य का संजोग, दोनों को मिलके तो रिजल्ट आता है, अकेले भावना नहीं होती है ना। लेकिन उनकी तो भावना इतनी उच्चतम थी, वो भी लास्ट बर्थ में उनको इतना माने शारीरिक कष्ट और भूख का करना पड़ा, इसीलिए ये भुगतान करना पड़ा ऐसा नहीं, ये जीवन का हिस्सा ही था, जीवन का हिस्सा था, पार्ट ऑफ लाइफ माने एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड ही है ना। इस प्रकार के संजोग मिलेंगे तभी मैं आहार लूंगा। टिपिकल संजोग जो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा। फिर उनका टेस्टिंग होता है, क्या होता है टेस्टिंग, और ऐसे संजोग मिलने में समय भी लगता है, आप समझे? तो फिर भी टेस्टिंग है, हालांकि ये प्रकृति का टेस्टिंग है, आत्मा का नहीं है, मनोबल का टेस्टिंग है। तो ये क्योंकि उदय कर्म है तो टेस्टिंग तो रहेगा, उसमें भी वो पास हो गए, टाइम लगा 6 महीना लगा हो गए, तो ऐसा है। बाकी उसमें कोई आत्मा से कोई मतलब नहीं है, आप समझे ना। तो लास्ट बर्थ में भी उनका
माने उनको तो स्पंदन हो गया था कि इज गोइंग टू बी ए तीर्थंकर, वो फिर भी ऐसे कई जन्मों का भाव डाला होगा, इसीलिए लास्ट जन्म में उनका मिला। उदय करना, उदय करना, उस अवतार का नहीं था, उस अवतार में तो परिणाम था। परिणाम का मतलब फर्ज्या था। स्वामी जी एक मिनट, आप बोले माहिर भगवान ने ऐसा भाव डाला था इसलिए उसको ऐसा रूपक आया पिछले अवतार में, तो क्या कुदरत को सामने भी ऐसा पात्र बनाना पड़ता है? अपने आप कुदरत तो वही करती है। नहीं, जो चंदन बाड़ा को बनाया उसने भाव किया, तो मतलब कि सब सिमिलर चलता है कि ऐसा ही रहेगा। भाव करने वाला कौन पहला रहता है? जब दो व्यक्ति का सामने हिसाब खुलता है तो दो व्यक्तियों का भाव होना ही चाहिए एक पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। नहीं, मैं क्या प्रिंसिपल लॉ में, प्रिंसिपल क्या है कि माहिर भगवान ने किया, जब बीज डाल रहे थे कि मेरे को ऐसे पग में बेड़ी ऐसा मेरे को संजोग चाहिए जब बाहर निकलने के लिए चाहे, तब तो तुरंत की तुरंत सामने दूसरा पात्र बनने का चालू हो जाता है ऐसी पोजीशन के कुछ हो जाते हैं कि मतलब आगे पीछे रहता है, हो सकता है आगे पीछे। तो स्वामी जी इसके रिजल्ट में संजोग बनते हैं। स्वामी जी ये कुछ सब हर व्यक्ति के दिमाग में कर्म बीज गिरते हैं और सामने पात्र भी मिलता है और अपनी मान्यता वही कर्म बोला जाता है और कि सामने सफरिंग का संजोग मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, तो ये जो समष्टि का कुदरत है जो जड़ परमाणु की अवस्था के साथ चलता रहता है, तो वो ये फंक्शन तो बहुत ये तीर्थंकरों को केवल ज्ञान में पूरा फंक्शन जहाँ उपयोग रखे वहाँ दिखता है, तो इसलिए ये फंक्शन में हमको हमारे स्थिर स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत सारे तीव्रता से पुरुषार्थ मतलब के एंगल से करना पड़ता है, ऐसा है? तो तीव्रता तो ठीक है, पर तीव्रता शब्द वो एक्शन में नहीं होना चाहिए, विजन में होना चाहिए। विजन की बात ही है ये सब, मैं जो बात कर रहा हूँ विजन और विजन की कर रहा हूँ उसके आप। विजन में जितनी तीव्रता शार्पनेस रहेगी इतनी बात आपको इजीली विज्ञान के रूप में समझ में आएगी, अनुभव में आएगी। तो आपका दर्शन में कैसा है, वही प्रिंसिपल है कि सामने कोई कर्म बीज पड़ता है तो सामने पात्र तैयार हो होने के सामने ही होता है, तभी तो रिजल्ट आता है। वन वे नहीं होता है, वन वे होता है तो फिर अकेला आता है, तो जब टू वे होता है तो सामने दोनों में कॉज होना चाहिए। स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी लोक से 32 गुना महावीर क्षेत्र है और पूरा ब्रह्मांड में मनुष्य अवस्था के साथ जो जीव ये संतरण मार्ग में जी रहे हैं उसकी सबकी रेंज देखने के लिए हम सोचने के लिए जाते हैं और फिर भी ये जो कुदरती कानून है वो कितना नियम से चलता है, तो एग्जैक्ट है ना, मतलब एग्जैक्ट तो है ही, वो तो समझ में आ गई। पॉपुलेशन कितनी भी है क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है। हम ये से सोचे कि भाई संख्या के हिसाब से तो पेड़ पौधे कितने हैं, सबको पानी मिलता है, हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, सबका आयुष्य होता है, सबको मिलता ही है। ऐसे वो भी जीव है, ये भी जीव है, सबको मिलता ही रहेगा। कुदरत की भाषा में चेतन अलग चीज है और जड़ अलग चीज है, और जड़ की अवस्था होती है, चेतन की अवस्था नहीं होती है। चेतन की हाजिरी में अवस्था होती है, चेतन की नहीं होती है। वो समझ में आ गई। तो अवस्था में तो सर्जन विसर्जन है, आप इंसान करो, एनिमल कहो या ट्री कहो, जड़ की अवस्था है। और एक प्रश्न मेरे से, ये समझो कि कैटलिक सरी के तत्व है मेरे अंदर और सेंटर पॉइंट में तत्व है, और अभी तक तो तत्व की बात, तत्व का स्वभाव सुना है कि पूरा तत्व का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में व्यक्त हो सकता है, तो जो दृश्य है वो जहाँ समझो कोई माहिर भगवान को प्रश्न पूछता है तो वो महाविधि में उसका तत्व का प्रकाश महाविधि में भी दृश्यों को झलकते हैं और वो दृश्य खुद के अंदर भी झलकते हैं कि दोनों अलग अलग है, क्या है सब? मैं क्या बोलता हूँ आप समझ गया, तो दृश्य महाविधि में है, फिजिकल में,
और महावीर भगवान को प्रश्न पूछता है तो वो आत्मा के प्रकाश में वहां भी उसकी साथ उसका दर्शन वहां कुछ नहीं होता है। यहाँ तो महावीर को प्रश्न करेंगे तो महावीर का जो केवल ज्ञान है वो विजन ओपन कर देगा, उनको सब दिखेगा वहां का। आप समझे ना, उनके अंदर मैंने कहा आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर सभी प्रकार के अज्ञान को अनकवर करने की कैपेसिटी है। कितना अज्ञान निकालना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल निकल गया बहुत हो गया। दुनिया का हर अज्ञान डिविजन वाइज निकालना नहीं है, फंडामेंटल निकालना है। फिर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो कोई भी अज्ञान कभी भी निकालना है मतलब ओपन हो जाता है, अनावरण अज्ञान निकलना मतलब अज्ञान तो निकल गया है, वो आवरण खुला हो जाए तो सब कुछ दिखता है उसको, कोई भी फील्ड का वो खुद का स्वभाव है। मैं जो इसीलिए उसमें झलकता है। आप समझे ना, इसको वहां नहीं जाना है, कुछ आत्मा को नहीं जाने का, उसका तो स्वभाव है। लेकिन जो साथ में जाते हैं तो वो खुद की दृष्टि है ना, वो दृष्टि की मैं बात करता हूँ, दृष्टि भी नहीं जाती है तो जाता है, नहीं जाता है, ओपन हो जाता है। नहीं तो आपने एक बार बोला था कि जब आत्मा का प्रकाश अनावरण करता है और जो वर्णन करता है तो वो तो वो खुद है। हाँ, वो वर्णन करता है मगर उसको तीनों अवस्था प्रेजेंट में दिखती है। जैसे आप कहोगे कि मैं मेरे को अभी दुख के भुगतान हो रही है, वो कौन से कर्मों का फल है, तो कौन सा कर्म बना, उसका फल शुरू हुआ और कब तक रहेगा, ये तीनों अवस्था उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखती है। कॉज भी दिखता है और इफेक्ट भी प्रेजेंट में दिखता है। स्वामी जी तो इसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। स्वामी जी तो हमारे अंदर जो खुद परम, आप कई बार बोलते हैं और मैंने आपके सत्संग में 4 साल से बहुत बार सुना है कि सबसे ब्रह्मांड में पूरा शक्तिशाली जो कोई तत्व है तो खुद के अंदर ही है। जो ये बात आप करते हैं कि आत्मा का स्वभाव है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों संजोगों के साथ जो भी प्रेजेंट में करके देता है, तो फिर भी तो वही सब्जेक्ट में थोड़ा हमको एनालिसिस करके दोने के हमको हमका हमारे अंदर जो आत्मा तत्व है वो कितना कैपेसिटी वाला है। और हम आपसे आप वही दृष्टि देने के लिए हर बार कोशिश करते हैं और खुद के अंदर शक्ति मांगने की भी बोलते हैं और खुद के अंदर जो परमात्मा है, तो 10-15 मिनट तक आपके अंदर जो भी विजन में है जो तत्व का स्वभाव के बारे में और उसके लिए कुछ एनालिसिस करो कि हम भी उसी आपके शब्दों के साथ हमारी सोच के साथ हमारे अंदर जो तत्व पड़े उसके साथ जा सके। बराबर है, ये आत्मा जो है आत्मा की हाजिरी से ही लाखों अवतार हो गए, कर्म बने, मनुष्य गति के, त्रियंच गति के, नर गति के, देव गति के, बहुत सारे प्रकार के कर्म बने बिकॉज ऑफ आत्मा। मगर आत्मा और शरीर दोनों था, इसके बीच अज्ञान था तो कर्म बने, अज्ञान नहीं था तो कर्म नहीं बनते। तो आत्मा की हाजिरी से ही कर्म चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, और आत्मा की हाजिरी से ही डिस्चार्ज होते हैं। बिना आत्मा चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होता है। मगर ये आत्मा की शक्ति से हमको देवलोक मिला तो ये आत्मा की शक्ति से हम दुनिया का कोई भी प्रकार का अज्ञान का जो विजन है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, वही शक्ति से, जिस शक्ति से देवलोक का कर्म बंधा और देवलोक भी मिला 10 लाख साल का, तो वही आत्मा की शक्ति से हम कोई भी प्रकार की अज्ञानता को मिटा सकते हैं। कॉन्फिडेंस है अपना। हाँ, वो मतलब वो होना ही चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तो अपने क्रिएट हो सकता है इसी को के बाद ये समझ में आ गया है। लेकिन जो आत्मा का खुद का स्वभाव है, खुद का आपने बोला कि ये भूत भविष्य और वर्तमान, और जो लाखों आपने एक बार मेरे को ऐसा भी बोला था कि आत्मा की सर डेवलपमेंट रहता है वो जो सीधे क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं चाहता है, लेकिन जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक डेवलपमेंट रहता है, तो डेवलपमेंट की जरूरत भी तो जहां से हम निगोद से आए जीव राशि में, तो यहाँ तक जहां तक हम सिद्ध क्षेत्र में नहीं जाते तब तक डेवलपमेंट रहता है। और डेवलपमेंट में पूरा ही ये पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है,
तो मतलब कि इसकी कैपेसिटी और उसके आगे खुद का स्वभाव जो परमानेंट है, जो लाइवनेस है, आप हर बार यही दृष्टिकोण देने के चाहते हैं, तो मैं ऐसा आपके आपकी वाणी से ऐसा सुनना चाहता हूं कि सिर्फ तत्व का स्वभाव की बात करें। ये जो फंक्शन है वो तो मेरे समझ से बहुत अच्छी तरह से आ गया। जो आप बोलते हैं ना, वो मैंने बहुत बार उसको संशोधन करके, जो भी मेरा शब्द नहीं है, लेकिन वो स्वभाव क्या है इसके लिए आप कुछ। आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान प्रकाश है। क्या है? ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश अकेला प्रकाश नहीं है, ज्ञान प्रकाश। और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड को अनकवर करने की उनकी स्वाभाविक क्षमता है। स्वाभाविक क्षमता है ही, उसको खड़ा नहीं करना है, उसकी है ही। तो कर्टेन के आधार से वो शक्ति ऊपर नहीं होती, मगर उनका तो स्वभाव है। कर्टेन मतलब अज्ञान। हाँ, आवरण। कर्टेन का मतलब होता है आवरण। आवरण मतलब कि उसको अज्ञान से ही आवरण बोला जाता है। अज्ञान कहो, रॉन्ग बिलीफ कहो, रिलेटिव सत्य का इम्पोर्टेंट कहो, जो भी कहो, तो वो अवरोध बन जाता है इसको ओपन होने में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आवरण है वो आवरण को हटाओगे तो उनकी तो शक्ति वही की वही है, न बढ़ानी है न कम करनी है, पहले थी वही की वही है। है ही अनंत भव। आत्मा आज भी हर व्यक्ति का अनंत ज्ञान वाला है ही, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख वाला है, और अनंत दर्शन वाला भी है, अविनाशी भी है और चेतन भी है, है। मगर उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिलीफ में सब रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों क्या है? अलग हो गए। अलग हो गए। तो रिलेटिव सत्य ही आवरण हो गया। क्या हो गया? वही आवरण हो गया। आपकी जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान अज्ञान वाले ज्ञान से आवरण बन गया। वो ओपन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ओपन है, मगर ओपन नहीं होता है। मतलब ओपन नहीं होता है तो स्वभाव में तो उसकी इसकी क्वालिटी है ही, लेकिन हमारी जो दृष्टि, साथ में चलने वाली दृष्टि, जो पुरुषार्थ वाली दृष्टि है, उसको आवरण रहता है, इसलिए वो देख नहीं सकते। उसको अनावरण करने का स्वभाव है तत्व का, प्रकाश के साथ वो समझ नहीं पाते, क्योंकि खुद की दृष्टि के ऊपर आवरण है, ऐसा बोला जाता है। आत्मा के ऊपर सीधा नहीं है, दृष्टि के ऊपर है। तो स्वामी जी, आपके आपके दर्शन में कैसा है? मैं कभी सोच रहा था कि सूर्य का किरण सीधा चलता है और जो आत्मा का प्रकाश है, तो वो मैं ऐसा सोच रहा था कि वो चौकरदम से ऐसे 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 निकल के सब चौकरदम से प्रकाशित कर सकता है कोई भी दृश्य को, कोई भी अवस्था को। तो किरण स्वरूप नहीं है ना? किरण तो है, किरण बाद में प्रकाश स्वरूप ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे घूमते घूमते चलता है, प्रकाश स्वरूप में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे बल्ब है, बल्ब में से निकलता है तो किरण, मगर वो किरण प्रकाश के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। तो उनकी रेडियस बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बल्ब की इतनी है, मगर जब प्रकाशित होता है तो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। और अंदर से भी चले जाते हैं और बाहर से भी प्रकाशित करते हैं, इसे उसका स्वभाव ही है। इसीलिए स्व पर प्रकाशक बताया, स्व पर प्रकाश। हाँ, समझ गए। खुद ही प्रकाशित है और अवस्थाओं को भी वो प्रकाशित करता है। और जो जड़ मिरेकल्स रहता है, जड़ तत्व का जो खुद का जो परमानेंट स्वभाव रहता है, उसके अंदर वैक्यूम है ही नहीं ना? के है जड़ अवस्था में है, तत्व नहीं, नहीं अवस्था के नहीं, मैं तत्व की बात करता हूँ, तत्व में नहीं है। तो जड़ तत्व के जो मिरेकल्स रहता है परमानेंट वाला, उसमें भी वैक्यूम नहीं है? जड़ तत्व जो होता है, वो जड़ तत्व जो एलिमेंट्स है उसके अंदर वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम नहीं है, आकाश तत्व नहीं है, फिर भी दो परमाणु एक होंगे तो आकाश तत्व होगा, इसको ब्रेक कर सकते हैं। और अंतिम मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ नहीं सकते। तो अभी आप्तवाणी में आया था कि ज्ञानी पुरुष साइंटिस्ट ने, दादा भगवान ने बताया था कि आप सब लोगों को मिल्क दिखेगा और हमको तत्व दिखेगा। तो मतलब कि आपको क्या दिखेगा? जो अवस्था की आंखों से मिल्क दिखेगा, उसकी साथ मैं भी दिखेगा कि ये खाने से हो गए होगा,
और जो ज्ञानी पुरुष अंदर से दृष्टि से देखेंगे तो उसको तत्व की अवस्था दिखेगा, पूरी 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 तत्व अवस्था दिख जाएगी। तो पूरा मिरेकल्स इकट्ठा होके दूध दूध बनता है। तो जो उसकी ये सब फंक्शन सब परमाणु का ही है, जड़ तत्व की फंक्शन है पूरा। आपको कैसा लगता है? जड़ तो है, ये खोराक भी जड़ है, ये खाने वाला भी जड़ है, उनका रिजल्ट भी जड़ है, सब जड़ी तो है। चेतन से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, कोई तो पता है चेतन का कोई कंसर्न नहीं है, वो तो पक्का अंदर से ये जड़ का ही है, ये सब जड़ की अवस्था है, इसका रोल है पूरा। उसके चेतन से कोई कंसर्न नहीं है। ये बॉडी भी जड़ है, इसको चलाने के लिए हवा पानी खुराक भी वो सब जड़ है, और वो खाना खाते हैं तो वो भी जड़ में ही रूपांतर होता है। और ये सब सेंसेस की शक्तियाँ हैं, वो सब जड़ की शक्तियाँ हैं, वो आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा की शक्ति तो स्वाभाविक है, इसको बाहर के एविडेंस की जरूरत नहीं है, उनकी खुद की शक्ति है, इसको एविडेंस की जरूरत नहीं है। ये अज्ञान की जो बिलीफ है वो अगर हट जाती है तो वास्तविकता खुली हो जाती है। ये बिलीफ को तोड़ना वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे सब लोग आपकी सत्संग में, आपने एक बार बोला, कई बार बोल जाते हैं, आपने बोला था कि बिलीफ भी अनबिलीफ क्वांटिटी में पड़ी है, अज्ञान पावरफुल है, और पावरफुल भी है और अनबिलीफ क्वांटिटी में भी है, फिर भी बहुत है, भी अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देने का है, हम उसको एक बार जीत जाएंगे। क्योंकि कितने भी बिलीफ है, कितना भी अज्ञान है, इसके सामने मेरे पास तो अनंत ज्ञान इनबिल्ट है और परमानेंट है। अज्ञान कितना भी है मगर उसका एंड होने वाला है, क्योंकि अज्ञान वो टेम्पररी ट्रूथ है। क्या है? टेम्पररी ट्रूथ। हाँ, और मेरे पास जो ज्ञान है वो शाश्वत सत्य है, तो इसीलिए उसका एंड होगा, इसका तो कभी भी एंड होगा ही, क्योंकि जैसे प्राप्त किया है अज्ञान वो भी संजोग के आधार से, तो उसका एंड भी होगा। एक सिद्धांत के सामने लाखों प्रश्नों का समाधान हो जाता है तो वही लेवल का अज्ञान खत्म हो ही गया, ऐसा समझ सकते हैं? ठीक है, जय सच्चिदानंद। एक अज्ञान से अगर लाख बार हम कर्म बना सकते हैं, अगर वो अज्ञान मिट गया तो लाखों बार का अज्ञान का जो कर्म बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आप समझे? समझ गए। इसीलिए कि ऐसा नहीं है कि लाख बार आपको वही प्रयोग करना है, अज्ञान को मिटाना वो इम्पोर्टेंट है। वो तो आपने बताया ना, एक बार स्टेप, जो स्टेप पे आपको समाधान हो गया वो स्टेप छोड़ के आगे जाओ। अच्छा स्वामी जी, तो मारा प्रश्न नो कंक्लूजन ये निकलो के अक्रम विज्ञान ना समझण थी, एक ज्ञान ना समझण थी क्रिया ने छोड़ी अने जे रिलेटिव रियल में अपने दृष्टि फेरवी अने जे काई पुरुषार्थ थी कर्म ने पर जे काई बांधीए छे ए नेक्स्ट जन्म ना बर्थ में पण अक्रम विज्ञान ना ज्ञान नु अक्रम क्रम करता विज्ञान गुरु गोस्वामी विज्ञान साइंस इज अ परमानेंट एंड क्रम एंड अक्रम बोथ आर द पाथ इट इज बिगिनिंग एंड एंड But the science, no beginning, no end. तबे अक्रम बोलतो तो ये पहला ना तू अब आओ तरह मरियू next birth में नहीं होगा, पर science is a everlasting. भले इन title लगा दो अक्रम तो वादो ना थी, पर आपने ना science में science भी था। दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि क्रम और अक्रम ये दोनों path है, path है। हाँ, और दोनों विशेषण है। क्या है? विशेषण। और साइंस है वो निर्विशेष है, तो पाथ हमेशा परमानेंट नहीं हो सकता है, इसकी बिगिनिंग भी है और एंड भी है, मगर साइंस का नो बिगिनिंग नो एंड है, तो साइंस है वो परमानेंट है, और क्रम अक्रम परमानेंट नहीं है, पर समय समय पे वो परिवर्तन होता है, क्रम भी परिवर्तन होता है अक्रम भी परिवर्तन होता है, आप समझे ना? मगर विज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे क्रम मार्ग से आप विज्ञान जानो या अक्रम से जानो, विज्ञान परमानेंट, क्रम एंड अक्रम इज टेम्पररी। तो नेक्स्ट बर्थ में भी दोनों का मिक्सर हो जाएगा, हो भी सकता है ना, क्रम का भी हो और इसका ज्ञान कुछ भी हो, कुछ भी हो गए, हमारे विजन में यूनिवर्सल ट्रू साइंस होना चाहिए बस। उदय में कुछ भी है वो तो रिलेटिव सत्य है, विजन में यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। लोगों के मन में क्या होता है,
आज हम आम आदमी दुखी क्यों है? बिलीफ से है। किसकी बिलीफ है? रिलेटिव सत्य रॉन्ग है, मगर रिलेटिव सत्य उसी से तो भुगतान है ना। आखिर मैं शरीर हूँ वो रिलेटिव सत्य है, शरीर के हर संजोग रिलेटिव सत्य है, शरीर के हर भुगतान रिलेटिव सत्य है, और वही तो हमको इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो विजन है वो भी रिलेटिव सत्य है, तो वो विजन को चेंज करना है। रिलेटिव सत्य उदय के रूप में वही का वही रहेगा, विजन चेंज करना है। आप समझे? इसमें दो बात होती है, एक विजन होता है उदय करना जो कंपलसरी है, और दूसरा विजन होता है पुरुषार्थ जो हमारा ऑप्शन ऑप्शन है। अभी विजन का मतलब क्या है और उदय का मतलब क्या है, मैं स्थूल एग्जांपल दूं ताकि आपको सबको आसानी से समझ में आ जाए कि भी जैसे एक व्यक्ति का नाम चंदूलाल है और एक का नाम है शांताबेन है, और दोनों को रोल दिया गया राम और सीता का, उन्होंने एक महीना प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किया, आफ्टर वन मंथ वो स्टेज पे वो ड्रामा प्ले करते हैं, और जब प्ले करते हैं तो उनके दिमाग में उस समय बिकॉज ऑफ द ड्रामा, बिकॉज ऑफ दे हैव टू प्ले द ड्रामा, तो उनका विजन है कि मेरे को राम की तरह बोलना है, राम की तरह सोचना है, राम की तरह एक्सप्रेशन करना है, डायलॉग बोलना है, इस यूनिफॉर्म में रहना है, तो मगर ये पूरा ड्रामा है, उनको मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं राम नहीं हूँ। ड्रामा पूरा राम का करता है और देखने वाले भी खुश हो जाते हैं, उनके डायलॉग एक्सप्रेशन उनका पहरवेश खुश हो जाते हैं, मगर उनको खुद को मालूम है कि मैं राम नहीं, मैं राम से मुक्त हूँ, राम से अलग हूँ, ये पूरे कैरेक्टर से मैं क्या हूँ, अलग, ये तो ड्रामा है। सेम थिंग ऐसा है, ये जो नामधारी का जो कैरेक्टर है वो तो ड्रामा है, मगर मैं नामधारी से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये मेरा रोल नहीं है, ये रोल बीच का फल के रूप में है, जो पिछले अवतार में मैंने वो रिहर्सल किया था वो अभी प्ले हो रहा है, मगर मैं वो नहीं, नहीं, ये तो ड्रामा है, और ड्रामा का बिगिनिंग और एंड होता है, और ड्रामा का तीन स्टेज है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा, तो ये ड्रामा तो फिर खत्म हो जाएगा, मगर मैं खत्म क्योंकि मैं ड्रामा से मुक्त हूँ। तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार ड्रामा कर सकते हैं, 1000 बार भी कर सकते हैं, ठीक है, 1000 बार ड्रामा कर सकते हैं, मगर व्यक्ति एक है क्या, अनेक है, एक ही है, ऐसे एक ही आत्मा लाखों बार जन्म मरण ले सकते हैं, वो अलग अलग ड्रामा है, आप समझे ना, मगर वो शाश्वत है, पर ड्रामा सब क्या है, क्या कर रहे, तो ऐसा है, एक परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, मगर दोनों के अंदर डिविजन रहना चाहिए अपने विजन में, कि टेम्पररी जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, उसमें जो भुगतान होती है मारा मारी की या प्रेम की वो मेरी नहीं है, वो पार्ट ऑफ ड्रामा की है, मैं राम बना हूं तो सीता मेरे को प्रेम करेगी, मैं राम बना हूं तो रावण मेरे से गुस्सा करेंगे, तो ये पात्र का रोल है, ये मेरा रोल नहीं है, मैं तो उनसे क्या हूं, अलग अलग हूं, तो ये हमारे विजन में होना चाहिए, आप समझे, तो इसीलिए यहाँ स्थूल एग्जांपल है, यहाँ वो सूक्ष्म लेना है, इसका ड्रामा है, रोल है, और हम ये रोल से क्या है, ये किसी का बच्चा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, चाचा, कुछ भी हो सकता है, ये क्योंकि रोल उनका है, हम किसी के कुछ नहीं है, ये हो सकता है, नाटक उनका है, रोल उनका है, मेरा रोल नहीं है, शुद्धात्मा का रोल नहीं है, अवस्था का रोल होता है, परमानेंट का रोल नहीं होता है, तो ये दोनों अलग है, मगर जहां तक अवस्था की वैल्यू विजन में है और खुद की वैल्यू विजन में 100% नहीं है, वहां तक तो कॉज बनते रहेंगे, क्योंकि अवस्था की वैल्यू है ना, तो कॉज तो बनते रहेंगे, तो विजन में अवस्था की वैल्यू धीरे धीरे जीरो करो और खुद की वैल्यू बढ़ाओ, बस
ये तो अपने आप जीरो होने वाला है, मगर आप जहां तक वैल्यू करोगे पुरुषार्थ के रूप में, वहां तक नई अवस्था कॉज के रूप में बनती रहेगी और जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आए ना, तो इसी प्रकार से हमको देखना है। तो ये रोल है इसका, क्या है रोल है माने, जितनी जितनी क्लियरिटी होती जा रही है उतना का जो जो भी बैलेंस मिलेगा हुआ हो जमा, जो इंडिविजुअल रखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट वर्क में तो रहेगा ही रहेगा। ऑफ कोर्स माने जो सेपरेशन माने अक्रम विज्ञान से, अरे विज्ञान से जो डिमार्केशन रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। जैसे बोलते हैं कोई भी चीज, देखो मैंने क्या कहा कि नॉलेज के रूप में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एक्सपीरियंस के रूप में, सार के रूप में कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आपका डेवलपमेंट है। अनुभव का मतलब ये नहीं है कि आपने खुद ने फील किया है, अनुभव का मतलब है दुनिया में सब कुछ होता है उसमें से भी सार निकाल के आप सेट कर सकते हैं, बस वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस का मतलब ही नहीं कि मनोचन का आपको खुद को भुगतान करनी पड़ेगी बाद में अनुभव का, नॉट नेसेसरी। सार निकालने का बहुत तरीका है, कैसे भी कहीं से भी किताब पढ़ के भी निकाल सकते हैं, जीवन जी के भी निकाल सकते हैं, दूसरे के जीवन को देख कर भी निकाल सकते हैं। सार निकालना वो रोल अलग है और मन वचन काया अलग है, तो ये भी एक माध्यम है, बाकी सब भी क्या है माध्यम ही तो है, और सार निकालने वाला हर माध्यम से क्या है अलग अलग है। तो इसीलिए ये मत समझो कि इसकी भुगतान होगी तो भी मैं सार निकाल सकता हूँ। इसीलिए मैंने तीन बात कही कि पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान लाइफ का ज्ञान, ये तीनों सहायक है सार निकालने में, एक नहीं तीनों बातें, आप समझे। तो ये हर बातें अपने प्रिंसिपल में आ जाती है, मगर क्या है वो सिद्धांत जिस प्रकार से हमारे विजन में है तो आपके विजन में कन्वर्ट होने में समय लगता है, क्योंकि शब्दों का तो माध्यम तो शब्दों का ही है, और शब्दों जिस प्रकार से मेरे विजन से बाहर निकले हैं वही विजन से आपको समझ में आने में थोड़ा समय लगता है, मगर माध्यम तो यही है, बिना शब्द तो हम प्रेजेंट कैसे कर सकेंगे, मगर वो मर्यादा रहती है, हर समय रहती है, हर एक को रहेगी शब्द में। तो इसीलिए तो कहते हैं शब्द ज्ञान थी निवेड़ो नथी, अनुभव ज्ञान थी। शब्द ज्ञान एक माध्यम है टू प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस, बट नॉट इक्वल टू वर्ड्स, इक्वल टू वर्ड नहीं एक्सपीरियंस, मगर वर्ड से जितना एक्सप्लेन कर सकते वो किया, वो इक्वल टू नहीं है, जितना मैंने शब्दों में बोला वही अनुभव नहीं है मेरा, मगर अनुभव को मैं शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें से भी आपको कितना समझ में आता है वो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है या ग्रास्पिंग है, आप समझे ना। तो इसीलिए वो अंतर बन जाता है, क्या बन जाता है, और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि बाद में प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप जब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम होगा कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है, एक्चुअली वो प्रैक्टिस से मालूम होगा, अकेले शब्दों के मीनिंग से मालूम नहीं होगा, उसकी एक मर्यादा है। क्या है, कोई भी चीज को बताने के लिए शब्द तो एक माध्यम है और मर्यादा है। कोई माँ और बच्चे को कहेंगे, माता जी को, कि ये आपके बच्चे के को कितना प्यार है, तो वो कहेंगे मेरे बच्चे के लिए तो इतना इतना प्यार है, चार पांच सेंटेंस बोल देंगे, तो क्या फाइव सेंटेंस इज इक्वल टू लव है, तो लव तो फाइव सेंटेंस नहीं है, मगर प्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे ना, तो उसमें कोई एक्सप्रेशन में तो मर्यादा रहेगी, और अनुभव अलग चीज है, हर बात में ऐसा होता है। तो मावी पे कोई एक्सप्रेशन करेंगे तो मर्यादा रहेगी, और इसीलिए हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एक ही मत है, हर अनुभवी ज्ञानी का, जो प्रत्यक्ष चाहिए, क्या चाहिए, नहीं तो वो नहीं कहेंगे भी उन्होंने तो बताया है इसमें गलती क्या है, मगर ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष की कीमत होती है, वो समय के आधार पर बोलता है, वो उस समय के लिए प्रत्यक्ष है, आप समझे ना, वो गलत नहीं थे, उस समय के लिए प्रत्यक्ष है, उस काल के लिए प्रत्यक्ष है, उस परिस्थिति के लिए प्रत्यक्ष है, और उस परिस्थिति में लोगों का लेवल जो था, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए वो प्रत्यक्ष है। आज काल बदल गया, अवस्था बदल गई, लेवल बदल गया, और वही बात करेंगे तो उसको एडजस्ट नहीं, तो वो गलत नहीं है, वो उस अवस्था के लिए थे। आज हम जनरेशन गैप शब्द क्यों लाए,
जनरेशन गैप शब्द क्यों लाए? इट्स अ डिफरेंट ऑफ एज। तो एज का मतलब होता है 25 साल का डिफरेंस, वो भी बहुत डिफरेंस हो गया, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। तो ज्ञानी पुरुष की बात करेंगे 25 साल पहले की, 50 साल पहले की, आज क्या समझ में आएगी? तो वो गलत नहीं है, आज का प्रेजेंटेशन चाहिए, आज के लेवल के मुताबिक, आज की सिचुएशन के मुताबिक। विज्ञान तो वही रहेगा हर काल में, खाली प्रेजेंटेशन चेंज होता है, और प्रेजेंटेशन को प्रत्यक्ष बोलते हैं। साइंस नया होता नहीं है, सर्व काल के लिए एक है। प्रेजेंटेशन नया होता है तभी तो उसको फ्रेश फ्रेश भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेश इसको बोलते हैं जो समय के अधीन निकलते हैं। श्रीमद राजचंद्र जो थे उस समय हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। दादा भगवान का भी जन्म हुआ उस समय हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। तो उनकी परिस्थिति अलग, परिस्थिति के आधार से सोच अलग, सोच के आधार से प्रेजेंटेशन अलग, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। आप समझे? ये तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कितना आप समझ पाते हैं, वो डिपेंड ऑन यू। हर परिस्थिति में आपकी भाषा एटीट्यूड अलग हो जाएगी, सोच सब अलग हो जाएगी। तो ये परिस्थिति के आधार पर है, और वो भी हमारी फ्रीडम नहीं है, वो भी सॉफ्टवेयर के आधार से है। जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाया है, इसी प्रकार के हार्डवेयर ने संजोग बनाया, और उसी प्रकार से हमारी बिहेवियर होती है, स्पीच थॉट एंड एक्शन, ये सब को रिलेटेड है। तो ऐसे आज की हमारी भाषा वो 50 साल 100 साल पहले की है, 100 साल पहले की है, उस समय के कोड पर हमने डाले हैं, और उसी प्रकार का कोड पर एज हार्डवेयर के रूप में निकल रहा है। तो वैसे भी तो जनरेशन गैप है ही, इसमें और करेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, और इसीलिए फ्रेश भाषा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप समझे? और ये माने ये जो उधार हुआ है विज्ञान से आपका द्वारा, वो तो कैरी फॉरवर्ड होएगा होएगा, नेक्स्ट पार्ट में भी वो काम तो लगेगा ही लगेगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जितना मैच्योरिटी से आप समझ गए ने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना विज्ञान मैच्योरिटी समझने की कोशिश करो, ये स्थूल बात अलग अलग है, वो संजोग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें ज्ञान दर्शन नहीं, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये अच्छा करेगा बुरा करेगा ये सब रिलेटिव सत्य है और मैकेनिकल है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन अपने विजन में है लाइफ, ये तो मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है। तो ये लाइफ ज्ञान दर्शन में कितनी क्लैरिटी होती है, ज्ञान और दर्शन में, उसी प्रकार से आपका चारित्र बनेगा, और वो ज्ञान दर्शन चारित्र डेवलपमेंट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होगा। शब्द शब्द कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, नॉलेज के रूप में नहीं होता है, विजन के रूप में होता है, वो डेवलपमेंट है, जो बात को देख के समझ जाता है। अभी जो क्लियर हुआ है विजन, वो नेक्स्ट बर्थ में शेयर करेगा। हाँ, माने आगे जाने में जो भी हम भावना करते हैं, आपने सुना है वो नहीं आएगा, सुनने के बाद सेट किया है और अप्लाई किया है तो वो आएगा। सुनना भाषा, भाषा से सुनना वो तो ज्ञानी पुरुष का अनुभव का प्रयोग है जो प्रेजेंट करते हैं, वो आपने सुना है शब्दों के माध्यम से, फिर आप जीवन में अप्लाई करोगे और अनुभव करेंगे, वो आपका बैलेंस रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जय सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर एक, दृष्टि जे मरे छे ए व्यवहार राशि में एक इंद्रिय थी मरे छे, એટલે દ્રષ્ટિ એટલે શું ખબર ના પડે? દ્રષ્ટિ એટલે જે આપણે જે સમજવાની દ્રષ્ટિ, અત્યારે જે આ વર્તમાનમાં આપણે જે દ્રષ્ટિ દ્વારા જે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે એમાં ખાલી દ્રષ્ટિ હોય છે ઉપયોગ, આપણે રાજદ્રષ્ટિ શરૂઆત જે છે સ્વામીજી, કે રાજદ્રષ્ટિની શરૂઆત એક ઇન્દ્રિયથી થાય છે? ના, એટલે દ્રષ્ટિ જે મળે છે એ વ્યવહાર રાશિમાં એક ઇન્દ્રિયથી મળે છે, એટલે એક ઇન્દ્રિયમાં એક ઇન્દ્રિય કા જ્ઞાન ખુલા હોતા હૈ, फिर दो इंद्रिय होगी तो दो इंद्रिय का ज्ञान खुला होगा, फिर तीन इंद्रिय, फिर चार, फिर पांच, ऐसे पंचेंद्रिय का ज्ञान खुला होता है। वहां दृष्टि नहीं होती है, दृष्टि नहीं होती है, वहां संज्ञा होता है। हाँ, बस वही समझना है। आहार भय मैथुन निंद्रा, ये चार प्रकार की संज्ञा होती है। हाँ, बराबर। दृष्टि में संज्ञा होती है, फिर जब बुद्धि आती है तो वो संज्ञा ब्रॉड बन जाती है,
तो संज्ञा प्लस बुद्धि का मतलब होता है अभी डूअरशिप ओनरशिप हो गई, सोचने की क्षमता हो गई, प्राप्त करने की इच्छा हो गई। बुद्धि कहाँ से आती है बाबी जी? बुद्धि ये पांच इंद्रियों को पास करने के बाद मिलती है, यानी कि पांच इंद्रियों का जो अनुभव होता है उसके हिसाब से उस बुद्धि उसको गिना जाता है? नहीं, वो एग्जाम पास करने के बाद मिलती है। अच्छा, मनुष्य भाव में आते हैं तो वहां तक ये पंचेंद्रिय का एग्जाम पास करना है, वो पास कर दिया बाद में पहले ही बर्थ में गिफ्ट के रूप में बुद्धि मिलती है। जैसे एक इंद्रिय में एक इंद्रिय मिल जाए मिलती है ना, दो इंद्रिय में दो इंद्रिय मिलती है, बट नेचर ऐसे बट नेचर मनुष्य में आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? इंद्रिय प्लस बुद्धि, फिर बाद में विकास करना वो आपका पर्टिकुलर बात है, इंडिविजुअल बात है, मगर आपको बुद्धि मिलेगी क्या यूज करना है, कैसा यूज करना है वो व्यक्तिगत है। तो बुद्धि का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है रिलेटिव स्वार्थ को पक्का करना। नहीं, वो तो समझ गया, लेकिन वो बुद्धि प्रकाशित है स्वामी जी? प्रकाशित तो है, ज्ञान प्रकाशित है ना, तो प्रकाश ये इंद्रिय ज्ञान भी प्रकाशित तो है, ये चक्षु में थोड़ा एक ज्ञान है, ये चक्षु निकाल के टेबल पे रख दो वो देखेगा, वो देखेगा, ये कान निकाल के रख दो टेबल सुनेगा, तो प्रकाश है तभी तो उसमें इंद्रिय ज्ञान है प्लस बौद्धिक ज्ञान है, अगर प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बराबर, सभी इंद्रिया है मगर प्रकाश नहीं है तो आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो मूल ज्ञान तो उसका ही है, मगर बुद्धि के माध्यम से अहंकार के माध्यम से वो एक्ट करता है, बिहेव करता है, आप समझे, मूल तो उनका प्रकाश है, इनका प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, बौद्धिक ज्ञान भी नहीं है और साइंटिफिक विजन भी नहीं है, अगर आत्मा ही नहीं है तो। बराबर, तो आत्मा तो कंपलसरी हो गया है, कंपलसरी, हाँ, फिर उसका रोल अलग अलग है, क्या है रोल के हिसाब से उसको बुद्धि गिना जाता है। ये लोग क्या करते हैं, वो टीवी देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चैनल होते हैं और अलग अलग चैनल में अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, तो बच्चे लोग प्रोग्राम देखते थे तो पिताजी ने देखा कि बच्चे लोग ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, तो पिताजी ने टीवी फोड़ दिया। टीवी की क्या गलती है भाई, चैनल वाले हैं, इतनी सारी चैनल है, अलग अलग चैनल में अलग अलग दिखाते हैं, तो चैनल वाले जो प्ले करते हैं वो अच्छा या बुरा हो सकता है, टीवी में तो वो तो इंस्ट्रूमेंट है, नहीं समझ में, समझ इंस्ट्रूमेंट की गलती है नहीं, उनका क्या क्या है, कोई भी चैनल रखूंगे वो दिखाएगा, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये क्या है, पांच इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। ये इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग चैनल है, फादर की चैनल, मदर की चैनल, वाइफ की चैनल, हस्बैंड की चैनल, वाइफ की चैनल, पेन की चैनल, ऐसे काम करती है, मगर लोग इसको टोकते हैं कि तुम खराब हो गए, अभी उनका क्या मतलब है, जैसा चैनल सेट करोगे इसको बिहेव करना पड़ेगा, ये उनकी गलती नहीं है, समझे कि नहीं समझे? वो दृष्टि भी बाद में आती है, वो बुद्धि के बाद में दृष्टि भी, वही शुरुआत दृष्टि की मैंने आपने संज्ञा बोला स्वामी जी कि शुरुआत में संज्ञा होते, तो दृष्टि मनुष्य में आने के बाद दृष्टि खुलती है, मनुष्य में आने के बाद बुद्धि मिलती है, बुद्धि उनको दृष्टि बोला जाता है, दृष्टि तो एकेंद्रिय से खुली है मगर वो लिमिटेड वर्जन है, क्या है, हाँ, उनकी रेडियस क्या है, बहुत लिमिटेड है, देखने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, हाँ, हाँ। जैसे जैसे पूरा मकान बंद है उसमें से अगर एक होल कर दिया तो उतना रेडियस दिखेगा, यहाँ किया तो फिर वो भी और प्लस ये दिखेगा, यहाँ किया तो वो ऐसे होता है, ये तो स्थूल एग्जांपल है। अरे मैं वही, मुझे ये कंफ्यूज था कि दृष्टि वो एकेंद्रिय से ही शुरू होती है ना, आपने बोला संज्ञा से, लेकिन वो लिमिटेड संज्ञा होती है इसलिए उसको संज्ञा बोला जाता है, बाकी दृष्टि तो शुरू से ही एकेंद्रिय से हो जाती है, वही वही होती है। लोग क्या करते हैं कि कभी वो अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो इसकी क्लिप एक महात्मा ने मेरे को भेजी, उनको मालूम है कि स्वामी जी को ये सुनना पसंद है, तो उन्होंने भेजी, मैं तो घर जाके कभी किताब पढ़ता ही नहीं हूँ, ये मेरा विषय ही नहीं है, जो पढ़ लिया उसको क्या पढ़ना है, तो फिर मैंने क्लिप सुनी, तो वो क्या कहते हैं,
की शादी करने के बाद 20 साल के बाद वाइफ क्या कहेगी कि तुम तो पूरा बदल गए। तो फिर हस्बैंड कहता है मैं कैसे बदल गया, जब शादी किया तब आपने कहा था दाढ़ी नहीं रखने का तो मैंने कहा निकाल दिया, मुझे नहीं रखने का निकाल दिया, बाल ऐसा करने का तो मैंने चेंज कर दिया, कपड़ा ऐसा पहनने का तो मैंने चेंज कर दिया, टाई पहनने का तो मैंने पहन लिया, स्लीपर नहीं पहनने का जूता पहनने तो पहन लिया। 20 साल के बाद कहते आप पूरे चेंज हो गए, तो चेंज किया किसने? नहीं समझ में आया। आपने सब कुछ किया फिर बड़ा आप चेंज हो गए। तो मनुष्य की जो एटीट्यूड है दूसरों को बदलने की, और बदलने के बाद जब बदल जाते हैं तो उनको लगता है कि बदल गए। तो ये खुद के ऊपर प्रश्न है। तो प्रकृति ऐसी है, व्यक्ति की प्रकृति हर, और इसीलिए मैंने प्रकृति के ऊपर वेट नहीं दिया है। क्या बताया? हमारा काम प्रकृति को बदलना नहीं है, विजन को बदलना है। प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, अगर प्रश्न ये बुद्धिवाड़ो जो तो लो हाँ, बुद्धिवाड़ो प्रश्न नंबर बे बुद्धि लेने आया छे એટલે શું क्या रे बुद्धि मन छे मनुष्य मनुष्य बराबर छे શું શું વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા પછી ઇન્દ્રિય દ્વારા જે અનુભવ થાય છે એને બુદ્ધિ લઈને આવ્યા છે એ કહેવાય ના એ બુદ્ધિ તો ના કહેવાય જો છે એટલે અનુભવને બુદ્ધિ ના કહેવાય એ તો ડાયરેક્ટ પ્રકાશ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે બરાબર ઉસકો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન બોલ સકતે હે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇતના હે ઉનકી રેડિયસ બહોત કમ હે બુદ્ધિ અલગ ચીજ હે બુદ્ધિ કે અંદર આપ इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो कुछ देखा है जाना है वो पाना है, ज्यादा पाना है, रखना है मेरे पास लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, ये सब बुद्धि की बात है। इंसान क्या करेगा भाई, मेरे को रोज रोज ये अनाज पानी लाना है तो पूरे साल के लिए मैं ये तेल घी गेहूं चोखा सब भर दूं एक साल का, तो उनके पास बुद्धि है तो वो बाय भी करेगा और स्टोर भी करेगा। मगर जंगल का राजा शेर सिंह वो क्या करेगा, जब भूख लगेगी तो कुछ को मार देगा, मार के फिर जितनी भूख लगेगी खाएगा फिर छोड़ देगा, बाकी का भाग छोड़ देगा सो जाएगा। वो ऐसा नहीं कहेगा मेरे को महीने के लिए कितना फूड चाहिए इतना इतने इसको मार दो, रोज प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा वो नहीं है। उनके पास बुद्धि ताकत है मगर बुद्धि, और उसी के तो मैंने कहा हजारों सेब जो होते हैं ताकत वाले हजारों से, इसको एक ही इंसान पांजरे में बिठा सकते हैं मगर हजार शेर एक इंसान को पांजरे में नहीं बिठा सकते। बुद्धि नहीं है, ताकत तो है बुद्धि का, तो बुद्धि अलग होती है ताकत अलग, शारीरिक ताकत अलग चीज होती है, बुद्धि अलग चीज होती है, आप समझे? सब एक बीजो इन साथे रिलेटिव प्रश्न है वो बताइए जे के मूल आत्मनो सबोर केवल ज्ञान स्वरूप जे छे, હવે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે તો હવે એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જે આપણે કહીએ છીએ પણ એનું ડિવાઇડિંગ કેવી રીતે પડે છે, બંનેનું ભેદ કેવી રીતે મૂકવામાં આવે છે? ભાઈ આ જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા એ સ્વભાવ તો કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે પણ ડિવિઝન કેવી રીતે બંને દ્રષ્ટિના અવસ્થાઓ કો તત્વ કે રૂપ મે દેખના વો દ્રષ્ટિ હૈ વો દર્શન હૈ મગર વો અવસ્થા કો તત્વ કે રૂપ કો છોડ કે स्थूल अवस्था के रूप में देखना वो रिलेटिव सत्य है, इससे संसार बनता है। यानी जो केवल ज्ञान स्वरूप जो मूल आत्मा को जो स्वभाव है वहाँ दो रूप में कन्वर्ट हो जाते, ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग बोले। बॉडी है वहां तक ज्ञान दर्शन दोनों है, हाँ। जो बॉडी नहीं है तो सिर्फ ज्ञान है दर्शन नहीं है, दर्शन तो रिलेटिव सत्य के लिए होता है। रिलेटिव सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ दोनों के बीच दर्शन मिथ्या और सम्मक होगा। जब रिलेटिव सत्य ही नहीं है, जब संसार ही नहीं है तो सिर्फ ज्ञान रहेगा, इसीलिए आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप बताया। यानी पुरुषार्थ केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप नहीं, केवल ज्ञान दर्शन तो वो पुरुषार्थ के समान, पुरुषार्थ के समान। और जहां तक बॉडी है वहां तक दर्शन भी रहेगा केवल ज्ञान के बाद भी, मगर वो उदय कर्म के रूप में रहेगा। दर्शन क्या रहेगा? उदय, अभी पुरुषार्थ के रूप में है बाद में उदय के रूप में रहेगा, और ज्ञान है वो परमानेंट है।
दर्शन का मतलब होता है अवस्था को साइंटिफिकली पहचानने की क्षमता। अगर उससे आपका विजन लो है, इतना आपका विजन रिलेटिव सत्य के ऊपर डिपेंड है, तो रिलेटिव सत्य के ऊपर डिपेंड आपका विजन है, वहां तक कॉज बनते रहेंगे और कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल चलती रहेगी। तो स्वामी जी यात्रा तो दर्शन में दर्शन, और इसीलिए मैंने ज्ञान और दर्शन की पूरी परिभाषा बदल दिया। मैंने ज्ञान दर्शन को क्या कहा, ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूँ, रियल स्पीकिंग वो ज्ञान है। सो आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ये मेरा ज्ञान की बात है। मेरे अलावा शरीर और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी दुनिया, ये क्या है, वो दर्शन है, वो कुदरती रचना है। मगर कुदरती रचना को पांच तत्वों के रूप में न देख के अवस्था के रूप में देखना, वो रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य राग द्वेष कराते हैं और वही भीख और भय उत्पन्न करवाते हैं। तो मैंने सिंपल, तो मैं कौन हूँ वो ज्ञान, ये दुनिया कैसे चलती है वो दर्शन। दर्शन कब चाहिए, जब बॉडी है तब तक, बॉडी नहीं है दर्शन की जरूरत, क्योंकि रिलेटिव सत्य ही नहीं है ना। रिलेटिव सत्य है तो उसको देखने के लिए सनातन सत्य चाहिए, है ही नहीं तो फिर। और इसीलिए जब मोक्ष में जाएंगे तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान दर्शन नहीं है, केवल ज्ञान। तो स्वामी जी आनो अर्थ एवो थाय छे के दादा भगवान जे बोले छे के मने 356 डिग्री नुं केवल ज्ञान छे, ए खरेखर आ दर्शन ज छे, पण एने अहींया केवल ज्ञान शब्द वापरो छे खाली आ माटे। इतिहास देखोगे, हिस्ट्री, तो इतिहास में कभी किसी को अगले अवतार में केवल ज्ञान कम था, फिर लास्ट पट में केवल ज्ञान हुआ, ऐसा एक भी एग्जाम्पल है कि महावीर को पहले 355 था फिर 360 हुआ ऐसा है, फिर ये केवल को पहले अपूर्ण था फिर आगे मिला ऐसा है। स्वामी जी, तो केवल अज्ञान में कभी डिविजन नहीं होता है, केवल दर्शन में होता है। स्वामी जी तमे हमने सिद्धांत की बात है, दादा भगवान ने जो भी बोला है उनका जो भी अंतराशय है हम इसमें क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, मगर सिद्धांत क्या है वो हम बता देते हैं। तमे जे हमने कीधु के ज्यां सुधी बॉडी छे त्यां सुधी ज्ञान अने दर्शन बन्ने होय छे, તો ઈ રેફરન્સ માં એમ એમણે એવું કીધું હોય કે 356 ડિગ્રી નું કેવળ જ્ઞાન છે, મને પેલું કેવળ જ્ઞાન ની જે કેવળ દર્શન થયા પછી નું જે કેવળ જ્ઞાન છે એની દાદા વાત નથી કરતા, એવો મને પહેલા કેવળ દર્શન ને જોયે, કેવળ જ્ઞાન હોય, કેવળ દર્શન નું કેવળ જ્ઞાન, એ કેવળ દર્શન નું જ્ઞાન કહેવાય, પણ કેવળ જ્ઞાન ના કહેવાય, એવું કદાચ હોય શકે, પણ એમને ક્લેરિફિકેશન નથી આપ્યું કે કોઈ પૂછ્યું નથી એટલે ક્લેરિફિકેશન નથી આપ્યું, એમ પણ ખરેખર કેવા આવું માંગે છે એમ नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, उनको केवल दर्शकता है नहीं बोल सकते है, क्योंकि विजन नहीं है ना, ये डायलॉग नहीं है, ये विजन है, और विजन है तो ऑथेंटिक बोल सकते हैं, और ऑथेंटिक ऐसा आपको प्रमाण देंगे फिर आपको मालूम होगा कि नहीं बात सही है, कि किसी को केवल ज्ञान अपूर्ण नहीं होता है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज नॉट मैटर ऑफ पर्सन, भले उन्होंने कोई भी एंगल से बोला है उसमें हम डीप में नहीं जाना चाहे। सिद्धांत ये है कि दर्शन अपूर्ण हो सकता है, केवल ज्ञान किसी को अपूर्ण नहीं हो सकता है, दैट इज अ प्रिंसिपल। समझ में आ गया है? तो सिद्धांत को समझना है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। गति और स्थिति, गति का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, जैसे हमारी बॉडी है इसमें भी गति सहायक तत्व है, कैसे, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग प्रोसेस, आप समझे ना, एक्शन करना, बोलना, हाथ पांव हिलाना, ये सब गति सहायक तत्व का पार्ट है। वो गति सहायक नहीं है तो मूवमेंट नहीं कर सकते, और जो ऑर्गन फिक्स है मूव नहीं होता है, ये सब स्थिति सहायक तत्व है। क्या है, स्थिति सहायक, और ये गति सहायक तत्व स्थिति सहायक तत्व के बीच में जो प्रोसेस हो रही है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, ये स्पेस में हो रही है, स्पेस नहीं है तो नहीं।
नहीं होगी, ठीक है। और ये पूरी जो हो रही है इसमें गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस, मगर सभी ऑर्गन और सभी प्रोसेस का टाइम होता है, तो समय तत्व आ गया। पूरी ये बॉडी बनी जो ऑर्गन पूरा वो जड़ तत्व का है, और ये चलती है वो चेतन की हाजिरी से चलती है, तो छह तत्व इसके अंदर है, इसीलिए कहते हैं पिंडेशो ब्रह्मांड और ब्रह्मांडेशो। तो बात एक ही हो गई, और इसीलिए मैंने त्रिराशि बनाया है कि ब्रह्मांड बना है छह तत्वों से, चलता है छह तत्वों से, और ये मन वचन काया भी छह तत्वों से चलता है। तो तीनों में छह तत्वों के अलावा कुछ है नहीं, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कुछ दिखता है, वो सब अवस्था है, सर्जन विसर्जन, पर तत्व परमानेंट है। क्या है? परमानेंट तत्व, परमानेंट अवस्था, तो ऐसे है। तो आपको और क्या जानना है, समझ में आ गया? दर्शन किसी जीव का 350-300 से 350 डिग्री तक उसका दर्शन खुल गया, फिर कहाँ ऐसी चूक हो जाती है कि उसे दोबारा से नरक गति या एक इंद्रिय जीव वापस पैदा होना पड़ता है? तो ऐसी जब इतना दर्शन खुल जाता है तो ऐसे कैसे, या हम बोलें गुण स्थान, कि नवे गुण स्थान से भी जीव गिरकर पहले गुण स्थान, दूसरे या तीसरे गुण स्थान तक आता है, तो इतना दर्शन खुल गया, इतना उपयोग हो गया, ऐसी कौन सी गलती, ऐसा कौन सा कर्म का बंध होता है कि उसे दोबारा से वहां जाना पड़ता है? ये उपयोग की गलती है। क्या है? आप मैच्योर तो हो गए, मगर वो मैच्योरिटी का यूज गलत कर दिया। कोई भी प्रकार के यूज, कोई जैसे किसी के साथ बातचीत होती है, तो बातचीत व्यवहार होता है, तो व्यवहार में वो बिल्कुल अज्ञानी है, मगर क्योंकि उसका पुण्य है तो पावर होता है। क्या होता है? अज्ञानी का भी पावर तो होता है, पुण्य है तो दुनिया झुकती है क्योंकि पुण्य है ना। बोले फैक्ट नहीं है, मगर इल्यूजन भी लोगों को पसंद है ना, तो एक उसका एनवायरमेंट होता है। तो जो व्यक्ति के पास सही ज्ञान है तो उसको लगता है कि लोगों को उल्लू बना रहे हैं, उनको दिखता है, तो उनके प्रति जो द्वेष भाव करेंगे तो नीच गति में भी जाना पड़ेगा। आप समझे? मतलब हम ये समझे कि कोई प्रोफेसर है वो 2+2 करना भूल गया? भूल नहीं जाते, सफरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। सफरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, नरक गति में जाने का मतलब ज्ञान को नहीं देने का है, सिर्फ भुगतान पूरी करना पड़ेगा, वहाँ उपयोग नहीं कर सका ना, ये 2+2 ये प्रकृति में, ज्ञान सत्ता में वो माइनस भी नहीं होगा, उपयोग नहीं कर सकेंगे मगर माइनस भी नहीं होगा, वो तो वही का वही इंटेक्ट रहेगा मगर यूज नहीं कर सकेंगे। व्हेन यू कम बैक इन अ ह्यूमन लाइफ देन यू हैव राइट टू यूज दिस लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। यूज नहीं कर सकते मगर वो माइनस भी नहीं होगा। That is clear, but मेरा कहना है कि प्रोफेसर एक मैच का कैसे भी नहीं कर सकते हैं, अब देवलोक में जाओगे तो भी नहीं कर सकते, वहाँ तो उपयोग नहीं है। मैं उसके पहले एक प्रोफेसर है मैथ्स का, वो वहाँ पर है अभी, वो 2+2 करना भूल गया, ये समझे? 2+2 करना भूल नहीं जाता है, जब ही तो उपयोग नहीं किया उसने कि ये प्रकृति है, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति, तो उसे द्वेष क्यों आता है उस वक्त? ऐसा क्या मतलब, कहाँ दर्शन इतना? इसीलिए कहा अहंकार जो है, और वो भी मिथ्या अहंकार, वो ही सबसे बड़ा कर्टेन हो गया। क्या हो गया? अहंकार तो अच्छी बात है, मगर मिथ्या अहंकार का कर्टन कुछ भी कर सकता है, ऊपर से नीचे गिरा सकता है अहंकार, मगर इनटू इन्वर्टेड कॉमा मिथ्या, अगर वही अहंकार सम्यक होता है तो ऊपर भी ले जा सकता है। आखिर अहंकार ही तो पुरुषार्थ है, बिना अहंकार पुरुषार्थ कैसे करें? मगर वो सम्यक है या मिथ्या, मिथ्या गिरा भी सकता है। अहंकार वो डेवलपमेंट की पारासी से है, और अहंकार शून्य वो पूर्णा होती है, मगर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? आप समझे? मगर जब पूर्णा होती हो गई तो अहंकार की जरूरत नहीं, अभी अनुभव हो गया है। आप समझे? तो
तो इसीलिए ये अहंकार तो डेवलपमेंट है मगर इसका मिसयूज मिथ्या हो गया तो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, गलत भाव कर सकते हैं, जिसका परिणाम गलत आएगा, वो हो जाएगा ऐसा। इसका अहंकार भारी होता है, उनकी रेडियस बहुत बड़ी होती है और इसका उसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। आम आदमी किसी के प्रति द्वेष करेगा तो वो माइंड रहेगा। एक मैच्योर व्यक्ति अहंकार करेगा तो उनका पावर ज्यादा रहेगा उसी अवस्था में, और एक डेवलप माला व्यक्ति भी वो अहंकार करेगा मिथ्या तो उसका पावर एक्सट्रीम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो रेडियस है और स्ट्रेंथ है। जैसे छोटा व्यक्ति रेडियस भी छोटी स्ट्रेंथ भी छोटी तो उस कर्म में पावर भी का बल भी क्या होगा, छोटा होगा। वो हायर लेवल का है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्थूल एग्जांपल, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, फिर वो अध्यात्म में कन्वर्ट कर लेना कि मेरे पास अभी 1,00,000 रुपया है इन बैलेंस, तो ये मेरी क्रेडिट है, बैलेंस है, तो मैं गलत सही काम करूंगा तो रेंज कितनी रहेगी, अच्छा बुरा दोनों की रेंज कितनी रहेगी? अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो, अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो, दोनों साइड रेंज रहेगी ना। तो मैं भौतिक रूप से तो डेवलप हो गया, 100 करोड़ मेरे पास हो गया, मगर भौतिक रूप से डेवलप होने के बाद मैं 100 करोड़ का इतना मिसयूज कर सकता हूँ कि मैं नरक गति भी जा सकता हूँ, और 1,00,000 वाला इतना ही रेंज करेगा। You understand my point? क्योंकि रेंज लिमिटेड है। स्वामी जी अभी बीजो भी अभी बात बराबर से अजू आपने भी आपने चर्चा की है। मैंने भी जो मगज में नहीं उतरती तुम्हारी ये बात। हमें सिंपल ही डायग्राम पे एग्जाम में सिंपल आते हैं। कोई पुरानी आध्यात्मिक स्टोरी से अपन इसको रिलेट कर सके? तमारी बात आपने पहला पर चर्चा थई छे, पर जो समाधान नहीं थतु, बात तमारी बराबर के नु डेवलपमेंट छे એટલે की तीव्रता વધારે છે અને કર્મ પણ એટલું લાંબુ ચોરું બાંધશે, પણ જ્યારે એનું ડેવલપમેન્ટ છે જ તો એની પાસે જાગૃતિ પણ છે જ, બરાબર છે? ભૂલ થઈ ગઈ તો ભૂલ સુધારવાની પણ એની પાસે એટલી જાગૃતિ છે જ, તો તે છતાં એ વસ્તુ કેમ બને છે? बात आपकी सही है कि भूल है, हो गई है, इसके पास सुधारने की भी क्षमता है, उनके पास ज्ञान है, दर्शन है, बात आपकी सही है, मगर अहंकार चीज ऐसी होती है उस व्यक्ति को, उस अहंकार को ब्लाइंड बना देती है। क्या बना देती है? तो डेवलपमेंट ना क्या हुआ नहीं, डेवलप तो है फिर भी ब्लाइंड हो जाता है। देखो हर व्यक्ति को अपना ईगो ईगो नहीं लगता है। જાગૃતિ વધી તો એના મૃત્યુ આપણે એનો એટલો તો પ્રિન્સિપલ એને બી ખબર છે કે આજે ભલે આજે કદાચ મેં ભૂલ કરી નાખી તીવ્રતાથી, તો એ જ ડેવલપમેન્ટ મને આજે નહીં વર્ષ પછી કે 6 મહિના પછી બી મને જાગૃતિ મારી રહેવાની છે ને એ મને દેખાવાનું પણ છે, એ શક્યતા પણ છે, બરાબર છે? તો તે છતાં એ અહંકાર એવો કેવો હોય કે એવી કેવી ભૂલ હોય કે જેથી કરીને કેરી ફોરવર્ડ થાય ત્યાં સુધી એ કશું સુધારી ના શકે, તો પછી ડેવલપમેન્ટ કેવું હોય? દેખો સિમ્પલ બાત એ હે કે સમર્થ પુરુષ જો હોતે હે હાયર લેવલ કે, કેવલ જ્ઞાની નહીં મગર સમર્થ, વો હાયર લેવલ કે વ્યક્તિ वो कभी अपने पास्ट को या फ्यूचर को देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान दर्शन हाई लेवल का है तो वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, बराबर। तो क्या जो लो लेवल के लोग हैं उनके लिए सामायिक प्रतिक्रमण, प्रकृति को सुधारना, ये सब्जेक्ट रहता है, तो इसीलिए उनको रिलेटिव सत्य की वैल्यू है, तो वो रहेगा उपयोग ना, ये समझो। चलो इसमें पाप पुण्य भी रहेगा। आपे कीधु हमणा के जे समर्थ पुरुष छे पास्ट नथी જોતો, એ નથી જોતો, બરાબર? તો પ્રેઝન્ટ માં જે ભૂલ થઈ એ પ્રેઝન્ટ તો સુધારી શકે ને, તો એ સમર્થ થયો ને, પ્રેઝન્ટ ને તો સુધારી શકવો જોઈએ ને। જબ વો ઈગો જબ એક્ટ હોતા હે એક્ટિવ હોતા હે તો ઉસ સમય ઇસકો મિસ્ટેક નહીં લગતી હે, ફિર બાદ મે સમય પાસ હો જાતા હે वो उसको नहीं देखते हैं। पहले वो सिद्धांत है क्यों नहीं, सिद्धांत नहीं, कहने का मतलब है जहां तक 100% अज्ञान नहीं निकला है और डेवलप हो चुका है, 98% डेवलप हो चुका है, फिर भी गलती करने का चांस है और हायर लेवल की गलती हो सकती है, और गलती दो प्रकार की होती है, पाप की भी हो सकती है, पुण्य की भी हो सकती है। अगर पुण्य की होगी तो 10,00,000 साल देवलोक में जाना पड़ेगा,
और पाप की होंगे तो नरक में भी जाना पड़ेगा, मगर दोनों को गलती कहेंगे, आप समझे ना। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक वो मिस्टेक है, हो गई। और उस आप देखो कोई भी व्यक्ति को ऑन द स्पॉट अपने विचारों से जो प्रेजेंट हो गया अंदर, कोडवर चेंज हो गया, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, ऑन द स्पॉट इसको गलती नहीं लगेगी, क्योंकि उस प्रकार उस समय उसका जो विजन होता है वो उसी एंगल का होता है कि ये करेक्ट नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ, आपको इजिली मालूम हो जाएगा। जैसे मेरी प्रकृति जो है मन वचन का है कि डिस्चार्ज के फॉर्म में जो लाया हूँ, मन वचन काया के फॉर्म में लाया हूँ, इसको क्या लगता है कि भाई ये मंदिर से मुक्ति, प्रतिक्रमण से मुक्ति, संस्था से मुक्ति, ये बात करेक्ट नहीं है। मुक्ति की बात रिलेटिव सत्य में करेक्ट है, तो मैं प्रेजेंट करता रहूंगा क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ, बराबर। आप समझे, अभी आप कहोगे भाई मंदिर से को क्या तकलीफ है, लाखों लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भावना करते हैं, अपनी साधना करते हैं, पूजा पाठ आरती वगैरह करते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलता है, चौकस हर व्यक्तियों की बात है जो लोगों को मानते हैं, तो आपको कोई तकलीफ है। तो मेरा सॉफ्टवेयर ये कहता है कि विज्ञान और रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान, ये दोनों अलग बात है। मेरे विजन में जो विज्ञान सेट हुआ है तो वही प्रेजेंट होगा। एग्री हूँ तुम्हारी बात जोड़े पर, तो वो सेटिंग है, तुम्हारू जो सेटिंग है ना थी, तुम्हें कहीं हुकर में नहीं बनता कि जेथी तुमने कहीं नरक गति में नहीं नहीं। मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ कि लोग अपोज तो करेंगे, हाँ भले नहीं, पर एना थी तमारा कर्म में फरक न, तमारा भोगवटा में फरक न पड़वानो, तो कि तमारा कर्म में फरक न पड़वानो। आपकी फिर भी है कि मारी भूल ने मारा डेवलपमेंट पछी भी मारी भूल फिर भी सफरिंग मारू आवे छे। एक मिनट, फिर भी आज भी हमारा करेक्शन ये है सॉफ्टवेयर में कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। क्या बताया, हमारा साइंस किसी की वीकनेस को दिखाने के लिए नहीं है, बराबर, विज्ञान को खुला करने के लिए। मगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा लेकर आए तो हार्डवेयर तो निकलेगा। हाँ, तो यहाँ पाछो मारो एक प्रश्न, अगर मैं साइड नहीं करता हूँ कि ऐसी भाषा करेक्ट है, वो साइड नहीं करता, तुम्हारो डेवलपमेंट ने कारण तुम साइड नहीं करता, तुम एनो भोगवटो नहीं लेवाना, तो हजू मैंने हजू ये नहीं पूरेपूरु समाधान थतु कि जे ए लेवल नो पुरुष भूल थई भी जाए तो केवी ते चूकी जाए, ये नहीं हजू पकड़ातु। भूल थई जाए त्यां सुधी कबूल हो सकता है, 99-98% सुधी होय, किसी की भी हो सकती है, कोई भी लेवल पे हो सकती है, एनी लेवल। भूल थाय नहीं तो वांधो नहीं, कि तो थई તમે કીધું એવું કે જ્યાં સુધી 100% નહીં થાય ત્યાં સુધી ભૂલનું શક્યતા પૂરેપૂરી છે, પણ ભૂલ સુધારવા માટે પણ એની જાગૃતિ ન વાપરે કે જાગૃતિ ન થાય, એ કઈ હજુ ખબર કોઈ એંગલથી નથી પકડાતી વાત મને। મેરે દ્રષ્ટિકોણ સે પ્લસ 90% જો હોતે વો પાસ્ટ નહીં દેખતે ફ્યુચર ભી નહીં દેખતે। મેરે દ્રષ્ટિકોણ સે મેરે વિઝન સે ઇતને પાવરફુલ વ્યક્તિ ક્યો પાસ્ટ કો દેખેંગે, હાં સફરિંગ કરને કે લિયે તૈયાર હૈ, मगर वो पास नहीं देखेंगे, वो पास हो गया बीच भी लग गया वर्तमान में रहेंगे, तो जो हो गया वो कुदरती रचना, मेरे को डीप में नहीं जाना। मारी समझ प्रमाण ये वो तो कि भूल थई जो ए लेवल ने जारे अत्यारे आपने आऊ समझाई है, तो ए लेवल की व्यक्ति के पुरुष ने प्रेजेंट में एटा टाइप देखा तू जो वो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, आप देखो मैंने इसीलिए तो एग्जांपल देता हूं कि रामकृष्ण मायर को इतने भुगतान लास्ट बर्थ में क्यों आए, अगर उसको पिछले 5-10 अवतार में ज्ञान होगा तभी तो तीर्थंकर बने, ठीक है, तो 5-10 अवतार से इतनी भी गलतियां हो गई तो कभी क्यों उसको रिजोल्व नहीं किया। એમ જોવા જઈએ તો ખાલી મહાવીર ભગવાન ને જે થયું ને, બાકી રામકૃષ્ણ ને પોતાને જાતે તો કશું છે ને, એમને પોતે શારીરિક પીડા કોઈ ભી એવર નથી આવી, જંગલ મે જાના વો તકલીફ વાળી વાત નહીં, પણ એ ભી બહુ મોટી વાત નથી, એમના તમે જે પહોંચો એ લેવલ માં એ પોતે માં ભાગીદારી નથી પૂરે પૂરે, વો તો આપકા જન્મ જબ જેલ મે હોતા તો માલૂમ હોતા લોગ ક્યા કહેતે। सभी को तो हर व्यक्तियों को तकलीफ तो थी, हम माने ना माने अलग बात है, आप इस सिचुएशन में आएंगे तो मालूम होगा कि तकलीफ क्या होती है। आपके माता पिता जेल में, वहाँ आपका जन्म होता है, वो कितनी कितनी इनकरेक्ट बात है सोशली, आध्यात्मिक नहीं, मैं सोशली बात करता हूँ कि आपका जन्म जेल में हुआ लोग क्या कहेंगे, आपके माता पिता जेल में लोग क्या कहेंगे। एक तो पहले जेल में जन्म हुआ, बाद में पैदा होने के बाद जो दूसरे माता पिता के घर में बड़ा होना पड़ा, इसके बाद बड़े तो हो गए, इसके बाद जिसके साथ प्रेम हुआ उसके साथ शादी नहीं हुई, देखो कितनी तकलीफ।
दुर्योधन इसको आंसर कर देते हैं कि तुम तो पक्षपाती हो, अभी क्या करेंगे, कलर भी काला, क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन आती है, देखो ये हाई लेवल के व्यक्तियों का ईगो जो होता है इसका सफरिंग भी हाई लेवल का है, लो लेवल का है उसका सफरिंग भी लो लेवल का है, उनको मालूम होता है, मगर उनके पास ज्ञान होने से वो डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो मिस्टेक भी हो सकती है, अगर विजन का यूज नहीं हुआ तो मिस्टेक भी इतनी ही पावरफुल हो सकती है, उस लेवल के जिस लेवल का ज्ञान दर्शन ईगो है उसी लेवल की मिस्टेक भी हो सकती है, और लो लेवल का है तो मिस्टेक भी लो लेवल की होगी। तो ये स्ट्रेंथ की बात है, क्या है, और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया। हो सकता है कई बार क्या है कि एग्जांपल थोड़ा ग्रास्प करने में, कैचअप करने में टाइम लगेगा, क्योंकि शब्दों की तो मर्यादा मैंने कहा रहेगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस साइंस थ्रू दिस प्रॉपर एग्जाम्पल, बट हो सकता है कभी कोई बात समझने में टाइम भी लगता है। आज दादा भगवान ने कौन सा एग्जाम्पल दिया, चौथी आज्ञा में सुलेमान का दिया कि नहीं दिया, कितने लोग समझ सके, संभावनी का तो उनका तो एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन उनके हिसाब से करेक्ट था, लोगों ने स्वीकारा भी, मगर समझ नहीं पाए। तो बात तो वही हुई, सबको लगा कि मेरे को संभावनी का मेरे को करना है थ्रू द स्पीच एंड थ्रू एक्शन, यही समझे लोग एग्जाम्पल से, तो हालांकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये हमने जब एक्सप्लेन किया कि संभावी निकाल वो भावना की बात है, स्पीच एक्शन की बात नहीं है, तो ये समझने में बहुत टाइम लगता है। एक्सप्लेन तो कर सकते हैं महान पुरुष, मगर आप लोग इसको ग्रास्प कर सके बहुत टाइम लगता है भैया, वो एंगल सेट होना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। समाधान नहीं मिलता, मारी कोई खामी हसे आउसे नहीं, समय लगेगा, खामी की बात नहीं है, और थोड़ा समय लगता है मैच्योरिटी, मगर थोड़ा समय लगता है, ऐसी बहुत सारी बातें आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान ज्ञानी पुरुष जो होते हैं अनुभवी, वही आपको जो पास्ट के ज्ञानी पुरुष की दृष्टिकोण क्या थे वो बता सकते हैं। आप खुद समझने के लिए जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है उस लेवल का, उनके पास विजन है तो वो समझ सकेंगे कि उनके पास रीजन क्या था ये बात बताने का। बराबर, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, यहाँ कितनी बार सुना है वो बात नहीं है, यहाँ आपके पास कितना ब्रॉड विजन है तभी आप बात को डाइजेस्ट कर सकोगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, लाख बार सुनोगे तो भी। आज भी हम जैसे महाभारत की बात सुनते हैं तो अर्जुन और कृष्ण, तो कृष्ण ने हथियार रख दिए, उसके लोग यही कहेंगे कि अर्जुन को मोह हुआ और ये परिवार का मोह हुआ कि अपने छोटे भाई बड़े भाई पितामह गुरु मित्र फ्रेंड्स रिलेटिव ये सब सामने थे और इसीलिए उसको मारना उसको अच्छा ठीक नहीं लगा तो हथियार रख दिए। हालांकि वास्तव में ये मोह नहीं था, अर्जुन की कृष्ण भगवान की दृष्टि में जो अर्जुन को मोह था वो अलग था, ये उसको विजन बोलते हैं, ये उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, ये स्थूल अर्थ है। क्या है सूक्ष्म अर्थ, क्या है अर्जुन का, अर्जुन की वीकनेस क्या थी विजन में कि मैं अर्जुन हूँ मेरे को युद्ध करना है एंड आई एम कंट्रोलर ऑफ अर्जुन, बस ये उनका मिस्टेक था, ये विजन कृष्ण के पास था। तभी उन्होंने कहा कि हे अर्जुन तुम अर्जुन नहीं हो, तुम तो शुद्धात्मा हो, अर्जुन विनाशी है तुम अविनाशी हो, और अर्जुन का कंट्रोलर कुदरत है पर तुम अपने स्वभाव का कंट्रोलर, यू बोथ आर सेपरेट, यू आर नॉट कंट्रोलर ऑफ अर्जुन बिकॉज यू आर नॉट अर्जुन टू। तो ये जब दृष्टि चेंज हुई तो इसको मालूम हुआ जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं कंट्रोल करने से फायदा क्या, उसको करने दो जो करना है, तो कंट्रोलर ही मैं नहीं हूँ, और कंट्रोलर नहीं हूँ तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ, जब मैं कंट्रोलर हूँ तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं। तो ये बात सब समझना है, तो ये दृष्टि की बात है। आम लोगों को लगेगा इसको ये मोह था, और ज्ञानी को लोगों को लगता है कि इसको ये मोह था, तो बात एक ही है, प्रसंग एक ही है, और एक ही प्रसंग को देखने की नजरिया क्या है अलग अलग, और ये मूल मोह है और ये स्थूल मोह है। एक मिनट, यस जय सचिदानंद
તો એને એ વિઝન માં સાહેબ રહ્યું નહીં એમ કે આ હું અર્જુન કરતા જ નથી, તો કૃષ્ણ ભગવાન એની દ્રષ્ટિ ખોઈ લીધો ત્યાં, પણ એને તો સ્પષ્ટ વેદન તો હતું જ ને સાહેબ, જન્મ થી સ્પષ્ટ વેદન ઓર અર્જુન ये दोनों अलग चीज है। अर्जुन के पास विजन नहीं होता है, अर्जुन मैकेनिकल है। क्या है? अर्जुन का अंतस्करण बाह्यकरण दोनों क्या है? ऑटो मोड है, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। और विजन अलग चीज है, जो उसकी मैच्योरिटी जो लेकर आया है, वो मैच्योरिटी के आधार से हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते। और हार्डवेयर तीन प्रकार के, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, तीनों में परिवर्तन, क्योंकि उसका तीनों का कंट्रोलर कौन है? नहीं, उनका तो नहीं होता है, मगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अलग चीजें। उनको तो लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। तो ऐसा मोह कैसे हो सकता है कि मैं अर्जुन? वो तो अर्जुन को तो होगा ही, वो तो डिस्चार्ज में लेकर आया तो वो तो होगा ही, वो मैकेनिकल है। अर्जुन नहीं कह गया कि मेरी वाइफ है। कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? एक मिनट, अर्जुन नहीं कह गया कि मेरी वाइफ है, क्यों कहेगा? उसको शुद्धात्मा दिखता है, मगर उदय कर्म तो होता है ना, रिलेटिव सत्य। प्रकृति तो रिलेटिव सत्य है और प्रकृति के बिहेवियर भी रिलेटिव सत्य है। विजन उसका यूनिवर्सल ट्रूथ है। मारी भी कहेगा कि मेरी धर्मपत्नी, नहीं कहेगी। राम भी कहेगा कि मेरी पत्नी सीता है, नहीं कहेगी। वो तो मोह था, तो क्या राम को मोह था? नहीं था, मगर उदय कर्मक में तो आएगा कि मेरी पत्नी है, मेरे को इसको वापस लाना है, इसके लिए युद्ध करना है, मगर ये सब ऑटोमोड सिस्टम है, ये पुरुषार्थ का हिस्सा नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? मैकेनिकल। और जो लाइव है राम, वो तो टोटली सेपरेट है, बाहर के राम की इतिहास से बिल्कुल अलग है। उनको कोई कंसर्न ही नहीं है। क्या नहीं है? कंसर्न ही नहीं है। સ્વામી જી એક પ્રશ્ન આગળ વધવા માટેનો છે કે સ્વામી જી ઘણીવાર જે સંજોગો આવે ને, જે એકદમ હાર્ડ સંજોગો હોય, જે કોઈ આપણા ઉદય કર્મને આધીન આવે, તો પછી સ્વામી જી જ્યારે આપણે છૂટું રાખવાની કોશિશ કરી કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, જેમ તમે કીધું એમ કે અનંત શક્તિ વાળું છું, અનંત જ્ઞાન વાળું, એ રીતે જે આપણે તમે કીધું એ પ્રમાણે આપણે રાખીએ, બરોબર સ્વામીજી, પછી સ્વામીજી એમાં ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણે નિરાપૂરતા પામી જાય છે, અને પછી પ્રકૃતિ પછી એવો પ્રશ્ન કરે છે કે તમે મને એકલો મૂકી દીધો, એવું આમ પ્રશ્ન અંદરથી આવે છે, તો સાહેબ ત્યારે એમ થાય છે કે આમ આમ થોડીક ગિલ્ટી ફીલ થાય કે આમ કેમ આવું થાય કે આને આખું આપણે છોડી દીધું, એવું થાય છે? આવું બધું મિક્સ નહીં, એ તો જો વો તો અલગ હી હૈ, પ્રકૃતિ તો વૈસે ભી મિકેનિકલ હૈ, ઓટો મોડ હૈ, ઓર એક દિન તો ઇસકો જલના હી હૈ, ક્યા બતાયા आप समझे ना, तो वो तो अलग है ही, और उसकी बिगिनिंग है तो एंड भी है, हमारा बिगिनिंग एंड नहीं है। और प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा, मगर ये बॉडी है उसका तो एंड होगा ही, तो जिसका एंड होने वाला है उनको हो सकता है ऐसा, आप समझे ना। हमारे विजन में परफेक्शन होना चाहिए, अवस्था में तो होता रहेगा ऐसा, आप सुन रहे हैं, अवस्था एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखो अभी जैन परिभाषा के मुताबिक अभी जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं पद्मनाभ, जैन फिलोसॉफी के मुताबिक जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं वो आज नर्क में है, आप सुन रहे हैं, देखो कैसा कर्म किया होगा एज पर द फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डेवलप हुआ तो गलत भाव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते, देवलोक से भी आके तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाते हैं, नर गति में भी जाकर फिर मनुष्य में आके मोक्ष में जाएंगे। तो ये हमारे विजन में जो इम्पोर्टेंस है नर्क और देवलोक, ये इम्पोर्टेंस कुदरत के कानून में नहीं है, कुदरत कहता है तो ये दिन रात जैसा है, ये पाप पुण्य का खेल, उसमें तुम जिस प्रकार से गंभीरता से देख रहे हो नर्क मतलब बहुत खराब और स्वर्ग मतलब बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा व्यू पॉइंट है, ये दोनों सफरिंग है और मैकेनिकल है। क्या है उसमें? कोई अचीवमेंट नहीं, यानी चारों गति में कोई अचीवमेंट है ही नहीं, सिर्फ मनुष्य भाव के अंदर आपके पास पुरुषार्थ करने की फ्रीडम होने के नाते आप ये दुनिया का सनातन सत्य समझ सकते हैं, बाकी देवलोक में नरक लोक में पशु योनि में नहीं समझ सकते, दैट्स इट।
बाकी सब ये कुदरत के कानून से चारों गति चलती है, उसका कंट्रोलर कुदरती है, तो गति में तो कोई फर्क नहीं रहेगा। और देवलोक नरक लोक कंपैरिजन से अच्छा बुरा मोल सकते हैं, विज्ञान की भाषा में अच्छा बुरा नहीं है, वो रिजल्ट है, कॉज एंड और इफेक्ट का डर से हम ये कहेंगे कि नरक गति खराब है तो देवलोक तो उससे ज्यादा खराब है, आप समझे ना? क्योंकि देवलोक की जो बात है, आदमी देवलोक में जाता है तो भी उनके पास अवधि ज्ञान होता है, जातीय स्मरण ज्ञान होता है, या नरक गति में होगा तो भी अवधि ज्ञान जातीय स्मरण ज्ञान होगा, ये इनबिल्ट होता है। क्या होता है? वो पाप पुण्य की भुगतान के समय उसको मालूम होगा ये पाप का ये फल है, ये पुण्य का ये फल है, इसके लिए है, आप समझे? मगर वो हैंडीकैप है, सब कुछ जानने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, नरक गति में कर सकते हैं ना देवलोक में कर सकते हैं, कोई फ्रीडम नहीं है, जान सकते हैं मगर कर नहीं सकते, आप समझे? तो जैसे जैसे यहां इंसानों की उम्र बढ़ती है 70, 75, 80, फिर वो देवलोक जैसा हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते मगर टेंशन ज्यादा रहता है, परिवार सुनता नहीं है क्या करें, उनके पास विजन है कर नहीं सकते, मालूम भी है कि ये करेंगे तो इसका फल आएगा मगर सुनने वाला कुछ नहीं, तो ऐसा फिर वो टेंशन में ही रहेंगे क्या करेंगे। तो ये विज्ञान होता है तो फिर उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतने बड़े हो गए, इतना बड़ा परिवार हो गया, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, उनको समझ में आ जाता है क्योंकि मैच्योरिटी है, मगर बच्चे समझते हैं नहीं है, अब समझे कि नहीं? तो ऐसा होता ही रहे, हर बात में ऐसा ही है। तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो मेरा बच्चा मेरी बच्ची ऐसी बिगड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं तो उसको कहता हूँ प्रार्थना करो, और कोई रास्ता नहीं है, आप समझे? और प्रार्थना करने वाला भी जो बाप है वही बच्चे का प्रार्थना करेगा, शुद्धात्मा नहीं करेगा, नहीं समझ में आया? तो ये सब समझना है, ये प्रकृति प्रकृति के लिए प्रार्थना करते हैं, ये परमात्मा को कोई कंसर्न नहीं है, ये सब बातें लाइन ऑफ डिमार्केशन में साइंस में होना चाहिए ताकि लोड अपने पर नहीं पड़े, मेरे को हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति का कंसर्न है वो बराबर है, परमात्मा से कोई कंसर्न अच्छे बुरे संजोग का कंसर्न नहीं है, 100% नहीं है, समझ में आया? यस। जय सच्चिदानंद। आठ कर्म का बीज, एक आठ भव का बीज कैसे डाल सकती हूँ एक लाइफ टाइम में, और पुद्गल परावर्तन काल समझना है, ये तो आठ भव का, आठ भव का कर्म एक भव में बांध सकते हैं, वो आपके कर्मों की कैटेगरी अलग होती है। क्या होती है? जैसे पशु योनि का कर्म बाधा है तो पांच इंद्रिय वाले पशु योनि, चार इंद्रिय वाले पशु योनि, तीन इंद्रिय वाले पशु योनि वो भी होते हैं, और पशु योनि में भी शाकाहारी मांसाहारी भी होते हैं, तो हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की पाशवता का भी डिवीजन, वो कर्म के भुगतान का डिवीजन हो जाएगा, आप समझे? नंबर एक। इसके बाद देवलोक के अंदर भी देवलोक की कैटेगरी होती है, तो जो पुण्य की कैटेगरी का बंध है वो अगर अलग अलग कैटेगरी का है तो भुगतान भी आपको इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के देवलोक में मिलेंगे, तो आपको वर्ग भी अलग अलग समय पे लेना पड़ता है, आप समझे ना? और ऐसे नर गति में भी हमारे जो कर्मों की तीव्रता है पाप की, वो जिस प्रकार की हमने बाधी है तो वहाँ भी 1 से 7 नरक लोक हैं, और अगर सातवें लोक का पाप का बंध है तो वहाँ पूरा हो जाएगा, फिर आपका दूसरा नरक गति का बंध पांचवें बंध का है तो वहाँ जाना पड़ेगा रिवर्स, फिर पहली में आएगा वो तो वहाँ से ही होगा, एग्जाम तो यहाँ दे दिया, रिजल्ट ही आएगा वहाँ। नरक से नरक में तो जाते ही जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? नरक का जीव नरक में जाएगा, नरक का जीव वहाँ से देवलोक में जाएगा, पशु योनि में जाएगा, नरक का जीव मनुष्य में आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, मगर कर्म उपार्जन सिर्फ मनुष्य ने किया है। नरक का जीव मर के नरक में आ सकता है? कर्म उपार्जन मनुष्य में किया है। कंटिन्यूस बोल रहे हैं आप? मतलब अभी सातवीं नरक में हूँ,
इधर से मर के पांचवी नरक जा सकते हैं ना जाए रे नरक वालों जीव मनुष्य जीव माना जाए पाशो नरकी माना जाए देवलोक नरकी माना जाए पाशो देवलोक भी ना जाए इसी धंधे के बताओ बताओ देखो जब आपका कर्म एक ही योनि में या तो एक ही गति में ज्यादा बार कर्म बंधे है तो आपको जानना तो पड़ेगा क्योंकि चार तो कर दिया है अभी डिसाइड करना है तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है नरक गति में जाके नरक गति का कर्म नहीं बांध सकते हैं मगर नरक गति का कर्म हमने जो बांधा है अलग अलग श्रेणी के नरक गति को तो वो तो ये गति में तो नहीं मिलेगा अगर एग्जाम्पल देता हूँ मैंने सातवीं नरक का कर्म बांधा है पांचवीं नरक का भी कर्म बांधा है और पहली नरक का भी कर्म मैंने बांधा है मनुष्य को में अलग अलग कैटेगरी के कर्म ठीक है तो सातवीं नरक में मैं पहली नरक का तो कर्म नहीं भुगतान कर सकता हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होती है सेम देवलोक में होता है ऐसा आप समझे ना तो जाने का मतलब होता है एक नरक खत्म करके नरक गति में वही कर्म पूरा करने के लिए जाते हैं नया चार्ज नहीं होता है नरक गति में चार्ज नहीं होता है आप समझे ना ऐसे पशु योनि में जाएंगे तो पशु योनि में भी दो तीन अवतार हो सकते हैं देवलोक में भी हो सकते हैं मगर मनुष्य अवतार आठ भाव में एक ही होता है कितना होता है एक बाकी सब सात भाव अलग अलग होते हैं तो कहने का मतलब आठ भाव का मतलब आठ भाव में चार भाव मनुष्य का नहीं हो सकता है इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि मनुष्य के अंदर तो चार दिन की प्रोसेस होती है क्या होती है तो चार भाव कैसे बनेंगे यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल मगर मनुष्य के अलावा जो भी गति में जितनी बार भी दम लेना चाहते हैं कर्म के हिसाब से ले सकते हैं वहाँ चार दिन नहीं है अभी मनुष्य भाव में मैं यहाँ पर एक भाव नारकी का एक भाव देवता का चार भाव तिर्यंच का ऐसा बांध सकते हैं बांध सकते हैं और ऐसा सेवन हो सकता है और मनुष्य वापिस मनुष्य का नहीं दो कंटिन्यूस दो मनुष्य नहीं एक ही मिनिमम कहो या मैक्सिमम कहो एक ही मिलेगा मनुष्य भाव एक ही रहेगा अगर एक भाव का कर्म है तो नेक्स्ट बर्थ मनुष्य क्या दो भाव है दूसरा मनुष्य क्या पांच भाव है तो पांचवा मनुष्य क्या सात भाव है तो सातवा मनुष्य भाव आठ भाव है तो आठ भाव लास्ट भाव ही मनुष्य का आएगा क्योंकि पहले जो स्टॉक बनाया है वो खत्म करना पड़ेगा फिर लास्ट में मनुष्य भाव में आके मनुष्य भाव का भर का स्टॉक खत्म करो और नया चार्ज करो वो समय पे धीरे धीरे आएगा कभी कभी क्या है किताबों की बात पढ़ी है तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो अलग 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 व्यक्तियों ने अलग अलग एंगल से लिखी है हम इसको डिनाई नहीं करते हैं मगर हमको परिपक्व होकर जो बात प्रैक्टिकली समझ में आती है वो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि हम कहेंगे मनुष्य भव में मैक्सिमम आठ भव का कर्म चार्ज कर सकते हैं तो बात यही सिद्ध होती है आपको एक ही गति में अनेक बार जाना पड़ेगा तभी आठ भव हो सकता है नहीं तो हो सकता नहीं है गति तो चार ही है ठीक है कि नहीं आपने आठ भव ना ये कर्म तुम कहो छो ये बराबर सिद्धांतिक छे पर आठ कर्म कर्म दलिया भेगा थी सके कर्म चार्जिंग थी सके पर एनी अंदर मां बंद तो फक्त एक नो ज पड़े छे एक ज बंद पड़े એટલે પછી એ જે જ્યાં જતો હોય ત્યાં ભોગવી ને પછી બીજી જે ગતિ મારે જવું જ પડે એકની એક ગતિ મારી જઈ શકે નહીં બંધ તો પડવો પડે ને અને તમે કહો છો દેવલોક ની અંદર માં બંધ નથી પડતો તો નરકલોક માં પણ બંધ નથી પડતો બંધ પડાય ને પેલી સામી ગતિમાં જાય કેવી રીતે પણ આઠો ભાવ કા કર્મ ચાર્જ કિયા કા મતલબ ક્યાં હુઆ ફક્ત કર્મ ગ્રહણ કરે છે એટલા બંધ તો ફક્ત એકનો જ પડી શકે છે તો ફિર આઠ ભાવ કા કર્મ કા મતલબ ભી નહીં રહા કરી શકે જુદા જુદા ભાવના કર્મ એ તો ભેગા થઈ શકે ને અગર બંધ તામાં वो तो बराबर है मैं चैलेंज की तो बात नहीं करता हूँ मैं तो सिद्धांत की बात करता हूँ कि अगर सिद्धांत कोई कहता है एक साल बंद पड़े तो
કષ્ટ કર્મનું વાંચ્યું હશે તેની અંદરમાં કર્મ ફક્ત એક જ પડે, આયુષ્ય કર્મ એક જ વખત પડે નહીં, પછી તો ફરી બીજી ગતિમાં જઈને ફરી બંધ પડે તો નહીં. કર્મ માનો કે હિંસક છે અને એને એવા કર્મો બાંધ્યા તો ત્યાંથી ગઈને પાછો તિરેન્સમાં બી આવી શકે છે. તો તિરેન્સમાં માનો કે મગર કે સિંહનો કે વાઘનો કોઈ જન્મ થયો હોય તો એની અંદર પાછો બંધ પડી શકે. બીજું આયુષ્ય તો કર્મ બંધાય નહીં ને, એ ઘર પૂરું થતા તો વાહતો. હા, મનુષ્ય કે અલાવા કોઈ જગ્યા બંધ તો હૈ નહીં. બંધ કા મતલબ પુરુષાર્થ ને કર્મ ચાર દિન કા મતલબ. પેલો મગરમચ્છ નો દાખલો સાંભળેલો છે, તંદુરિયા મચવાનો એ સાતમી નદી જાય છે ને આગળ નો, એવો તો હિસાબ લઈને આવેલો હતો. આ તો આગળ કઈ ભાઈઓ ગઈ તો વહી તો મેં કહી ના, એને ત્યાંથી બંધ પડે આયુષ્ય કર્મ એક સવે નથી થતા. હા, જ્યાં રિફર કરજો. એ પ્રિન્સિપાલ એસા હો સકતા હૈ કે એટ એ ટાઈમ જો અભી મેરા બર્થ ખતમ હુઆ મનુષ્ય ભાવ મેં ઓર મેને પાંચ ભાવ કા કર્મ ચાર્જ કિયા હૈ તો અભી એક એક બંધ મેરા આયુષ્ય કા પડેગા જો ખતમ કરૂંગા, ફિર વો દૂસરે મેં જાઉંગા, ફિર વો ખતમ કરૂંગા, એસે હો સકતા હૈ. હા, મગર પાંચો પાંચ કા બંધ તો યહાં હી પડેગા, મગર ઉસકી ભુગતાન ક્યાં હોગી? એટ એ ટાઈમ તો એક હી ભુગતાન હોગી ને, પાંચો અવતાર મેં તો નહીં હોગી. તો એક બંધ ખતમ હો જાને કે ફિર દૂસરા બંધ શરૂ હોગા, ફિર તીસરા, ફિર ચોથા, ઓર ફિર પાંચે ભાવ મેં મનુષ્ય મેં આવેગા. એસા રિઝલ્ટ કે ફોર્મ મેં એટ એ ટાઈમ વન હો સકતે વો કરેક્ટ હૈ. રિઝલ્ટ કે ફોર્મ મેં આઠ ભાવ કા કર્મ મેં તો સામટા આઠ ભાવ કા તો હો નહીં સકતા. તો એક એક ભાવ કા સફરિંગ હોતા હૈ વો દ્રષ્ટિકોણ હો સકતા હૈ, હો સકતા હૈ એટ એ ટાઈમ વન વો એંગલ હો સકતા હૈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જ્ઞાની પુરુષ ની બધી જે વાત નીકળી હમણાં, કે જ્ઞાની પુરુષ જે કે સમજવું સહેલું નથી હોતું. 2003 માં દાદા ને મળવાનું થયેલું કનુ દાદાજી ને, એમણે મને એવું પૂછ્યું કે ક્યાંથી આવું છું. એમ કીધું અમદાવાદ થી, ગાંધીનગર થી. એટલે કે કમલેશ આનંદજી ને મળે છે તું? એટલે વખતે હું બરોડા રહેતો હતો 2003. હા, એટલે બરોડા બી 2003. હા, બી સિવિલ કઈ કરું તો બરોડા. એટલે મેં કીધું કઈ કમલેશ આનંદજી ને મળવા જતો. એમ કીધું આ કમલેશ આનંદજી ને મળું છું. કે પછી જોઈ લે મારી સામ. એટલે મેં કીધું શૈલેશ આનંદજી ના બ્રધર ને? કે ના, કે અમદાવાદ કમલેશ આનંદજી છે, એમને મળે છે કે નહીં? એટલે મેં કીધું કમલેશ મહેતા ને? કે આ કમલેશ મહેતા પણ અમદાવાદ વાર. એટલે મેં એ વ્યક્તિ આપણે મળેલો. એટલે પછી કે ના, કમલેશ આનંદજી અમદાવાદ વાર. મેં કીધું હું મળું જ છું દાદા. એટલે પછી એવું લાગે જ્ઞાની પુરુષ ને ખ્યાલ નથી આવતો હું શું કહેવા માંગુ. પછી વર્ષો પછી ખબર પડી કે ના, ભૂલ હતી. એટલે આટલા વર્ષે એમ પ્રતિક્રમા એક લાઈવ કરવાનું છે કે આટલા વર્ષો સુધી એમની જે આજ્ઞા હું નહીં પાડી શક્યો, આપણે મળવાનું આવી શક્યો. આજે આવ્યો છું તો એમ થાય કે શું કહેવા માંગતા આજે સમજાય કે એમનું જે વાક્ય હશે એની પાસે કેટલા હજારો મહાત્માઓને કીધું હશે એમને કે તમે કમલેશ આનંદજીને મળજો, તો કમલેશ સામે મળજો. આજે 15 વર્ષથી કવિરાજે પોતે પણ હજારો મહાત્માઓને કીધું હશે. દેશ વિદેશમાં જ્યારે ફોન આવે ગમે તે થાય કમલેશ આનંદજીને મળજો, એવું અનેકને કીધું હશે. કનુ દાદાએ પણ કીધું છે, કવિરાજે પણ કેટલાયને કીધું છે. અને પછી બીજું શું થયું કે કારણ કે આ બધાને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે સાયન્સ અને પાસે છે. પબ્લિકમાં ભલે ના બોલે સમય સંજોગોની મર્યાદાને કારણે, પણ દે નો એવરીથિંગ કે ઇઝ ધ મેન, દે હેવ ઇઝ ઓન વિઝન. બાકી બધા પાસે વિઝન છે પણ એ કયું છે? ગિફ્ટ રૂપે મળેલું છે, પોતે રિયલાઇઝ કરેલું નથી. એટલે એની લિમિટેશન્સ રહેવાની છે. રોંગ નથી પણ લિમિટેશન્સ સમજ આવે ને. બીજી વાત, જબ ખુદ કા વિઝન હૈ વો તો અનલિમિટેડ હૈ. અને બીજી એવી રીતે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લીધો કે અમે કીધું આપતો પુત્ર કમલેશ આનંદજી છે તો આપતો પુત્ર ને મળ્યો, એટલે કોઈ બી આપતો પુત્ર ને મળશો ચાલશે. પણ અહીંયા આટલા વર્ષો પછી એમ રિયલાઇઝ થયું કે અમે જે શબ્દ વાપર્યો એ પરફેક્ટ વર્ગી રહેવા જેવો છે, કે આપણે ભૂલ થઈ. એના માટે લાઈવ એટલે પ્રતિક્રમણ કરું છું, માફી માંગું, ક્ષમા. કઈ કે બીજો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે આપ વારંવાર કહો છો કે તમે ગાંધીનગર છો અત્યારે? અત્યારે અમદાવાદ રહું છું, વટવા. ઓકે. બીજો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે આપ વારંવાર એવું કહો છો, એટલે આપનું એવું કહેવાનું થાય કે તમે તમારા સ્વભાવમાં રહો, શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં. એ રહેવા માટે જે બિલીફ નડે છે મનીષને કે મેં આ પ્રકારનું કર્મ કર્યું, આ ખોટું કર્યું, આ સારું કર્યું, હવે હું જ્યાં સુધી શુભાશુભ માર્ગ ઉપર નહીં આવો
ત્યાં સુધી આજ્ઞા નહીં પાડી શકાય, આમ થાય આવું નહીં, આ તો ઘણી બધી બિલીફ પડેલી જ છે અંદર, અને એના આધારે એ બિલીફમાં ઘૂસી જવા રહી શકાતું નથી. તો આ જે મારી અનસમજાય છે, જે અજ્ઞાન છે, એને ઓવરકમ કરીને પણ હું કઈ રીતે મારા સ્વભાવમાં રહી શકું, એ કઈ વસ્તુ સમજે મને પ્રાપ્ત થાય, મારા અજ્ઞાન કે શું નડે છે મને આ સ્વભાવમાં રહેવા. સ્વભાવ મેં રહેને કા મતલબ હોતા હૈ સ્વભાવ કા લક્ષ્ય રખને કા, વિચ ઇઝ ક્વોલિટીઝ એન્ડ નેચર. आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है, मगर आत्मा मैं हूँ और आत्मा की क्वालिटी ही मेरी क्वालिटी है, आत्मा का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है, ये मेरे विजन से निकल गया है. नाउ यू अंडरस्टैंड. और क्या विजन बन गया? शरीर ही मैं हूँ, शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, और शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाला भी मैं हूँ, और ये पांच इंद्रियां शरीर की दिखाती है वो देखने वाला अनुभव करने वाला भी मैं हूँ. बस ये गलती हो गई. तो गलती विजन में हो गई. प्रकृति अपने स्वभाव में है, परमात्मा अपने स्वभाव में, मगर प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति के साथ बैठ गया तो खुद को भूल गया, और प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति के अनुभव को, प्रकृति के अस्तित्व को खुद का अस्तित्व मानने लगा. बस वो अपना, मगर दोनों का अस्तित्व है, एक का अस्तित्व परमानेंट है, दूसरे का अस्तित्व टेम्पररी है. तो टेम्पररी कभी परमानेंट नहीं हो सकता है, और मैं परमानेंट हूँ वो टेम्पररी नहीं होगा. मगर जहाँ तक मेरा विजन टेम्पररी के साथ जुड़ा है, वहां तक परमानेंट का अनुभव संभव नहीं है. दिस इज लाइन ऑफ डिमार्केशन. डिमार्केशन यानी ये अनुभव करने के लिए मुझे जो प्रयोग छोटे छोटे वो करने पड़ेंगे. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, वो एक्सपेरिमेंट है. તમે કહો છો કે ખુદ ને બોલી ભૂલી ગયો, એ ખુદ નો ઉલ્લેખ કોના માટે તમે કર્યો? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. પણ એ ખુદ ને ભૂલી ગયો એટલે પોતાને જ ભૂલી ગયો ને? પોતાનું સ્વરૂપ તો તે જ છે ને, વિકલ્પ સ્વરૂપે ઉભો થયેલો છે. નિર્વિકલ્પ તો પોતાનું સ્વરૂપ છે, પણ વિકલ્પ રૂપમાં એ ચોંટી રહ્યો છે. બરાબર છે. હા, આપને આપને ઉત્તર દિયા હું બરાબર હે, મગર અને એક કલ્પિત વસ્તુ ઉભી થઈ ગઈ છે ને ઉદ્ગલના દબાણના હિસાબે. વો કલ્પિત વસ્તુ હી તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હૈ. હા, તે ભ્રાંતિ ઉભી થઈ ને સામી ભાવની ઉભી થઈ ગઈ છે. વો હી ભ્રાંતિ કો નિકાલના હૈ, વો હી આધ્યાત્મ માર્ગ કા પુરુષાર્થ હૈ. એમને જ્ઞાન આપ્યું ને દાદા ભગવાન, એમાં એ વસ્તુ કહી કે તમારે મિસ્ટેક દૂર કરવા, એ બ્લન્ડર તો દૂર કરી નાખ્યું, હવે એ મોહને કારણે બહાર ભટકે છે, અને એને ભેદ એને જ પાડ્યો છે, એને જ ભેદમાં જવાનું છે. મૂળ વસ્તુ તો ભેદમાં અભેદ છે જ નહીં. એને ઇસીલિયે કહે કે તમે કહેલું છે કે આપણી વાત છે પાંચ આજ્ઞાથી ઉપરની છે જી. હા, એટલે પછી એની અંદરમાં પુરુષાર્થ રહેતો બી નથી. તમે સ્વભાવમાં જ રહ્યા તો પછી પુરુષાર્થ રહેતો નથી, પણ આ કોઈ ક્લિયર થઈ શકતી નથી. એના ઉપર સત્સંગ થાય તો વધારે સારું. तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तक तो हमारा जो पुरुषार्थ का जो दृष्टिकोण था वो प्रकृति रिलेटेड था. दादा के ज्ञान के बाद भी हमारा पुरुषार्थ क्या था? प्रकृति रिलेटेड, कि भी आरती करना, विधि करना, आज्ञा का पालन करना, समय करना, प्रतिक्रमण करना, कीर्तन भक्ति, जो कुछ भी कहो, तो ये सब जो बताते थे. तो ये क्या हुआ उसमें? वो जो रियल पुरुषार्थ था सेपरेशन का, वो खुला नहीं हुआ. तो अब ये विज्ञान की दृष्टि मिलने के बाद वो जो रियल पुरुषार्थ वो विजन का है, वहां करेक्शन की जरूरत है. वो रियल पुरुषार्थ अभी साइंटिफिक विजन से खुला होता है, जिसमें मन वचन काया का एक्शन वो सब्जेक्ट नहीं है. इवन द होल फॉर्मेट इज नॉट सब्जेक्ट. तो इसीलिए ये विजन से, ये विजन में करेक्शन करना वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है. ये करेक्शन सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का नहीं है. और ये पहली बार शब्द निकला है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो जितना भी आप समझ सको इट इज बेटर फॉर यू. हम आज तक धर्म के माध्यम से हार्डवेयर को बदलने की कोशिश करते थे. क्या करते थे? और हार्डवेयर जो कुछ करता था इसको हम पुरुषार्थ भी मानते थे. हालांकि सॉफ्टवेयर है वो इम्पोर्टेंट है. क्या है हार्डवेयर? तो मैकेनिकल है. क्या है? मैकेनिकल. तो यहाँ पहले करेक्शन की जगह मालूम हुई कि सॉफ्टवेयर में करेक्शन करना है.
अभी सॉफ्टवेयर में कौन सा करेक्शन करना है, हार्डवेयर को चेंज करना है या हार्डवेयर से मुक्त रहना है, ये दो प्रकार का पूछता है। चेंज करने के लिए आपको उसी प्रकार के भाव करने पड़ते हैं जैसे नव कलम के भाव, वो हार्डवेयर को परिवर्तन करने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर मेरे को सेपरेट रहना है तो ये छह तत्वों का विज्ञान समझना पड़ेगा, जिसमें मैं कौन हूँ और दुनिया कैसे चलती है वो समझ में आ गया, तो वो विजन में चेंज कौन सा है सॉफ्टवेयर में के सेपरेशन, यहाँ इसकी बात सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, मतलब हार्डवेयर की बात नहीं है। तो करेक्शन तो वही होगा, मगर करेक्शन में भी दो डिविजन है, विजन चेंज करना है या प्रकृति को चेंज करना है। प्रकृति को चेंज करना है, अच्छी बनाना है, तो नव कलम की भावना करो सॉफ्टवेयर में, तो हार्डवेयर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद भी प्रकृति से सेपरेट रहने का पुरुषार्थ तो आज नहीं तो कल 5-25 अवतार के बाद भी करना पड़ेगा। अंतिम तो यही है, ये नव कलम वाला चरित्र आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर विजन है तो, विजन नहीं है तो नव कलम से अच्छा चरित्र बनेगा, पुण्य बनेगा, अच्छी लाइफ नेक्स्ट बर्थ मिलेगी, मगर अज्ञान डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति हर प्रकार के पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट है, मगर उसकी मर्यादा भी है, वो हमको समझनी चाहिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के बस मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।